हो चुका बेटा लाइव लेक्चर। दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। बेटा ग्रुप में प्लीज ये मैसेज शेयर कर दो, जो लोग लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं यूट्यूब पे लिंक अवेलेबल है, वहां पे जाके कर सकते हैं। जिनका नेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, यहाँ यहाँ से टूट जाता है या छूट जाता है, तो वो लाइव स्ट्रीमिंग पे जाके रवि शेयर टाइप करें यूट्यूब पे जाके, रवि शेयर RABISHER। कल मैंने आपको ग्रुप में बताया था इसके बारे में, ठीक है? तो उसको शेयर करें ग्रुप के साथ, ठीक है? देखो अभी चेक करो बेटा, अभी लाइव स्ट्रीम हुआ स्टार्ट, मैंने अभी लाइव किया उसको, ठीक है? यू कैन चेक, यू कैन गाइड द अदर स्टूडेंट्स देयर आल्सो, ठीक है बेटा? गुड मॉर्निंग लकी। सो बेटा विदाउट एनी फर्दर ड्यू, ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास टुडे। लेट मी स्टार्ट, जस्ट एक बार चेक करने दो फिर भी। या इट्स लोडेड बेटा। कुछ लोग या एक दो बच्चे या ज्यादा नहीं है, वो कह रहे हैं कि सर क्लासेस लेनी स्टार्ट करो प्रॉपर। आई विल स्टार्ट बेटा, बट मेरे पास पूरी प्रेजेंटेशंस बनी पड़ी है, जो मेरा सब्जेक्ट है। मैंने आप ऑलरेडी बताया, 3 4 बार पढ़ा चुका हूँ ये, ठीक है, बच्चों को सोफिया के। बट आई वांट कि जो हम पहले गलतियां कर रहे हैं वो हम रिपीट ना करें। तो आप मैं बेटा रोज क्लास ही लूंगा, आप टेंशन मत लो, मेरे तरफ से रोज क्लास हुआ करेगी 2 घंटे की। वी विल ट्राई, ठीक है ना? ओके, बट प्लीज डोंट टेक इट फास्ट। ऐसा मत चलो कि भाई सर आज ही आप शुरू करा दो। मैं बेटा कल आज ही शुरू करा सकता हूँ, मेरे पास प्रेजेंटेशन पड़ी है, लोड भी है यहाँ पे, ठीक है? और अगर आपको देखनी है तो आप, मैं दिखा भी सकता हूँ, मैं लोड करके आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास प्रोजन साइंस एंड टेक प्रॉपर बनी पड़ी है, सारी की सारी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, देन आई हैव रोबोटिक्स, ये सारा कुछ बना पड़ा है। उसके अलावा जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, जो मेरा सब्जेक्ट है, वो भी सारा कुछ हुआ पड़ा है। ज्योग्राफी का मैंने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कराई हुई है बच्चों को, पिछले ग्रुप में हो चुकी हुई है सारी की सारी, ठीक है? तो यू डोंट हैव टू वरी, जो मेरे पास होगा, ठीक है ना, जो मेरे पास है, जितना भी आप मेरे को बोलोगे आई विल बी विद यू, ठीक है ना, होल हार्टेडली। बट आई वांट द सेम थिंग फ्रॉम योर साइड आल्सो, आप भी ऐसे उतनी ही मेहनत करो। इवन अगर मैं एक स्टेप चलता हूँ तो आप 10 स्टेप चलो, समझ रहे हो मेरी बात? और वो कैसे चलना है वो मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं आपको न्यूज़पेपर नोट्स मेकिंग बताऊंगा, ठीक है? इट विल बी वेरी टीडियस जॉब, बहुत ज्यादा टीडियस जॉब है। गरिमा सेठी, बहुत अच्छी बात है बेटा, फिजिक्स इज ए हाईली स्कोरिंग ऑप्शनल, वेरी गुड चॉइस, बट अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। आई हैव ओनली स्टडीड अप टिल माई ग्रेजुएशन ईयर द फिजिक्स, तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प नहीं कर पाऊंगा। बेसिक कंसेप्ट आई विल बी एबल टू क्लियर, बट नथिंग हायर लेवल, ठीक है? बेटा मोहित कुमार, प्लीज ये ग्रुप में मेंशन कर दो अपने पास जाके, क्योंकि मेरे पास अभी फोन नहीं है मेरा, आई एम नॉट सीइंग इट फ्रॉम द स्टार्ट। तो ग्रुप में ये मेंशन कर दो कि रवि शेर, RAVI फिर स्पेस SHER जाके डाल के आप चेक कर सकते हो, ठीक है? यूट्यूब में सर्च में के बटन में जाके ये चीज डालो और आप अपने आप लिंक हो जाओगे, ठीक है? ओके बेटा, 30 35 स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर चुके हैं, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, बहुत अच्छी बात है। और कोई बच्चा है तो वो प्लीज, या दैट्स वेरी गुड। संस्कृति, यू शुड शेयर दिस लिंक इन द ग्रुप आल्सो बेटा, बहुत अच्छी बात है। और नीचे लिख देना कि जिन बच्चों का ज्वाइन नहीं हो पा रहा संस्कृति, उनको बोलो कि थ्रू दिस ग्रुप या थ्रू दिस लिंक दे कैन ज्वाइन। ओके बेटा, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक ए बायो फीडबैक। ओके, लेट्स टेक ए फीडबैक फर्स्ट। हाउ वाज द क्लास यस्टरडे, समझ लग गया बेटा कल का जो लास्ट क्लास में आपको करवाया था? गुड गुड शना, गुड दीपक। ओके, सो इफ आई से, वेट अ सेकंड, बेटा एक मिनट वेट करना, मैं अभी आ रहा हूं।
ओके बेटा सॉरी मेरे को थोड़ा जाना पड़ा था, माउस रह गया था मेरा बाहर ही। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हमने आपने ये सब कुछ आता है आपको, ठीक है ना? कोई बात नहीं राजविंदर सिंह बेटा, वी विल ट्राई कि जितना आपसे हो पाए, जितना हमने किया कनेक्ट वो आपको कनेक्ट कर पाए हम। ठीक है, वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट बाय रिकैपिटुलेटिंग फर्स्ट। ठीक है ना, अगर मैं बोलूं कि आपको ये मैप दोबारा करना है, यू विल बी एबल टू डू, हैव अ टेस्ट। व्हाट इज दिस कंट्री? ओके, सो यू आर सीइंग दिस बेटा, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, इट इज बोलिविया, वेरी गुड। व्हाट इज दिस कंट्री? व्हाट, नॉट दिस कंट्री, व्हाट इज दिस कंट्री जहां पे एरो रखा हुआ है? नॉट तनु, गलत हो बेटा। बाकी बाकी सारे ठीक है। चिले वाला भी है कोई? चिले इज वेयर, चिले इज हेयर, ग्रीन कलर का। वेरी गुड, वेरी गुड दीप ज्योत, वेरी गुड बेटा, very good Sophia. What is this? jahan pe abhi show kar, let me show in a different color. yeah, that's a Peru, that's Peru. yes, this one is Peru. okay, Peru bhi ho gaya, ye bhi ho gaya. what is this? this you also know. do you know this country? last wala. बहुत बढ़िया इंद्रप्रीत, सो यू ऑल नो। जो फर्स्ट ईयर वाले उनको भी मैंने लेट करवाया था, जो बाकी थे उनको कल करवाया था, यू स्टिल रिमेम्बर दिस। ओके, तो ये मेथड होता है बेटा याद करने का, दिस इज व्हाट स्मार्ट वर्क्स लुक्स लाइक। बेटा सुल्ताना, ये मैंने अब चेक किया, जो आवाज नहीं आती ना जब आप ज्वाइन करते हो, तो अनम्यूट बटन ऑन किया करो, म्यूट हो जाता है वो। ट्रेडिशनली जब ज्वाइन करते हो ना, म्यूट हो जाता है, तो एक बार क्लिक करना पड़ता है उसके ऊपर, ट्राई दैट, नहीं तो आप लाइव स्ट्रीम हो ही सकते हो। ठीक है, दैट्स वेरी गुड मंजिंदर, सबीना मजार, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। सागर, अनमोल, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड अनमोल, शाबाश बेटा, यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, सारे के सारे बच्चे, दैट्स वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे एक चीज और लिखूं, व्हाट इज सेवंथ हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड? माउंटेन पीक, आप बेटो, आप वेरी गुड, सब ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो, बहुत यूट्यूब वाले भी और दूसरे वाले भी। बताओ बेटा यूट्यूब वालों, व्हाट इज द सेवंथ हाईएस्ट पीक? गुड मॉर्निंग नैना, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये आपने रिवाइज किया था जाके? डिड एनीवन रिवाइज इट? इट इज इजी, दैट्स वेरी गुड बेटा, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। डिड एनीवन रिमेंबर दिस? Very good. What does E stands for? What does E stands for here?
नॉट इक्वाडोर बेटा श्रेया, गलत, मैंने कल बताया था ये गलत है, यहाँ पे एल सेल्वाडोर, वेरी गुड एल सेल्वाडोर, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं मनजिंदर कौर, कोई बात नहीं, जो जिन बच्चों की नई क्लास है वी विल ट्राई कि ये सब कुछ हम कवर करें, तो यू डोंट हैव टू वरी, आप सबकी एक एक्स्ट्रा क्लास दोबारा से लगा दी जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया दीपक, सो वी हैव डन दिस आल्सो। अगर मैं यहाँ पे बोलूं व्हाट वाज द कंट्री विद द नेम एन, नॉट कोल्ड पिज्जा था ना, व्हाट वाज द कंट्री विद द नेम एन, बेटा बस इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं, थोड़ा सा टच तो होना चाहिए ना, 5 मिनट तो रिवीजन के देने चाहिए आपको। दैट्स वेरी गुड गिलप्रीत, निकारागुआ, वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, डू यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग, दैट इज व्हाई दैट मींस दैट माई जो ट्रिक्स आर दैट आर वर्किंग। ओके, तो आज की क्लास बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद अ मोटिवेशन। सो माई मोटिवेशन फॉर टुडेज क्लास इज दिस पॉइंट, मेक ए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ओके इसको रखो, एंड व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द होल ऑफ दिस पॉइंट इट विल गिव, इट विल हेल्प यू थ्रू होल ऑफ यूपीएससी प्रेपरेशन, इट हेल्प मी, इट विल हेल्प यू, ओके। इट वॉज ए पोइम रिटन बाय एन इंग्लिश पोइट विलियम अर्नस्ट हैनली, एंड मैं उनको बड़ा मानता हूँ, नेल्सन मंडेला जी हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ओके। तो उसको 30 साल कैद करके रखा था बेटा, तो उसको पूछा गया कि व्हाट हेल्प्ड यू, कौन सी चीजें हैं जो ऐसी जो आपको हेल्प की है 30 साल में अपना रिजॉल्व ना तोड़ने में, ठीक है। तो ही कोटेड दिस पोइम, ठीक है, ये पोइम उन्होंने शो की बेटा, ठीक है। तो आई विल जस्ट, अगर मेरे पास है अवेलेबल, लेट मी शो कि क्या है चीज है वो। रॉबिन आइलैंड आप देखा, एक बार पढ़ना इसके बारे में, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एक मिनट बेटा, चलो आई विल शेयर द लिंक विद यू इन द ग्रुप आल्सो, ओके। सो ट्राई टू टेक ए फोटो आउट ऑफ इट, एंड दीज लाइन्स आर माय बेस्ट, ठीक है। आई एम द मास्टर ऑफ माय फेट एंड आई एम द कैप्टन ऑफ माय सोल, दीज आर वेरी डीप वर्ड्स, बहुत डीप वर्ड्स हैं बेटा इनके, ठीक है। ट्राई टू, मैं आपको बताऊंगा किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बोला है, बट अभी नहीं, वी विल स्टार्ट अवर क्लास फर्स्ट and we will discuss this in the last, this is the motivation for today, okay. Let's start doing some national parks and then we will move on to some other things, okay. So today's national park, humne 104 national park hai, mostly sare kar jane hai, thode se reh jayenge, wo aapko main baad mein karwaunga, kab karwaunga, jab main aapko indian geography karwaunga beta, theek hai, indian geography mein indian physiography karwaunga, theek hai, it's a very interesting topic there, aapko tab samay lagega sabka महत्व। तो हम सबसे पहले कर्नाटका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसमें ये सारे के सारे हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क है, ये कल का काम भी है बेटा, ठीक है। बंदीपुर, कुद्रेमुख, अंची, रजीव, बानेरघाटा, दीज आर एट जो है आपके, या नेशनल पार्क है। आपको याद होगा बेटा, आपने करना क्या, जितने में आपको करवा रहा हूं ना, एक लाइनों में आपने ये जैसे एक लाइन बना ली, पेज पे लिख लिया, 10-15 ऐसी लाइनें बन गई आपके पेज, वो पेज को अपने पास रखना है, रात को खाना खाते के बाद जब आप सैर करने जाते हो उसको पढ़ना है, उन चीजों को याद करना है, एंड इफ यू रिपीट इट ओनली 3 times इन अ वीक यू विल रिमेम्बर इट फॉर द होल लाइफ। आप बोलोगे सर मेरे को भूलता नहीं है, भूलना कैसा है, वो भूलने वाला नहीं आता मेरे को आइडिया, ठीक है। सो एंड इट हैज बीन एम्पिरिकली प्रूवन बेटा, इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन दिस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, तो हमने एक वर्ड याद करना है, सोमेश्वर, सोमेश्वर इज अ नेशनल पार्क, एक बंदा है सोमेश्वर, उसने तंग आकर अपनी वाइफ भद्रा, भद्रा इज भद्रा नेशनल पार्क, ओके, भद्रा को बंदीपुर में, बंदीपुर नेशनल पार्क, ओके,
बंदीपुर में एक उसके दो कजन्स होंगे या उसके दो साले होंगे, करण और अंशी, ठीक है। उनके पास राजीव गांधी के बैनर के नीचे छोड़ दिया। इट्स इजी इजी है बेटा, सॉरी इजी है जी। सो ये जो लिंक्स हैं यू कैन इजीली रिमेम्बर, इसके चाहे स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है। सो टेक ए स्क्रीनशॉट बेटा। अब याद कैसे करना है कि ये कर्नाटका में है या मध्य प्रदेश में नहीं है? ये देखो यहाँ पे कर्ण लिखा है, तो कर्ण से कर्नाटका याद रखना है। कर्नाटका और करण, ये दोनों इसको रिलेशन में रख के लिए गए हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो याद रखनी है, के से एक और वर्ड है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ठीक है, ये जरूर याद रखना है ऐसे करके। ओके बेटा, डन। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेशनल पार्क। ओके सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट नेशनल पार्क, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हमारे पास ये सारे के सारे नेशनल पार्क्स आते हैं। वी विल स्टार्ट डूइंग दिस आल्सो। तो माधव नेशनल पार्क, मंडला नेशनल पार्क। अभी देखो बेटा, मैं ये आपको क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं ये करवाने का अब जो मेन मकसद ये है बेटा। देखो सबसे पहले जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो ना, तो यू नीड टू हैव ए बेस, बेस चाहिए आपको, ये वाला बेस चाहिए नीचे वाला। लेट मी शो यू इन अ डिफरेंट कलर। यू नीड टू हैव अ बेस यहां से ऐसे करके, जिसके ऊपर आपने सारे का सारा ऊपर बनाना है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे मैंने आपको आज याद करवाए हैं, ये वाला नेशनल पार्क से याद करवाए हैं, ठीक है। तो सबसे बेस वाला क्या होएगा कि आपको तो ये तो पता हो कि कौन सी स्टेट में है वो, ठीक है। आप वो तो नहीं कंफ्यूज कर रहे, तो नेशनल पार्क यहाँ पे आ जाएंगे, उसके ऊपर आपने बेस बनाना है। अच्छा फिर इसमें कौन सी रिवर्स हैं भैया वो बता दो हमें, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो बनाना है रिवर्स के ऊपर, कि रिवर्स तो है इसमें, कौन से ये क्या कहते हैं एनिमल्स कौन से हैं, एनिमल्स कौन से हैं, ठीक है, प्लांट्स कौन से वहां पे, कैसा एनवायरमेंट है, उसके ऊपर हम बेस बनाएंगे इसके ऊपर कि भाई यहाँ पे ये सब कुछ है, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कितनी है, या मतलब यहाँ पे कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज कौन सी यूज की गई, या कोई वेटलैंड है यहाँ पे, कोई कुछ है, कोई कुछ है, वो सारा हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दैट इज माई स्ट्रेटेजी। तो आपको बेस नीचे से पहले बना रहा हूँ, इसलिए वी आर टेकिंग दैट मच टाइम। मैं आपको सीधा भी करवा सकता हूँ बेटा ये क्लास में, बट मैं आपको यही अभी तभी करवा रहा हूँ ताकि आपका बेस बनता रहे यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट इज योर नेशनल पार्क, ठीक है। तो नेशनल पार्क हमने पे सॉरी यहाँ पे नेशनल पार्क डाल दिया हमने, नेशनल पार्क हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद कौन सी रिवर्स गुजरती है वहां से, ठीक है। फिर कौन से फ्लोरा एंड फौना है वहां पे, ठीक है। और फिर कौन सा स्टेटस क्या है यहाँ पे, कोई वनरेबल स्पीसीज है उसका स्टेटस क्या है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पे, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट टाइगर, कोई ऐसे सब्जेक्ट जैसे गिर नेशनल पार्क में, गिर नेशनल पार्क में हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायन चल रहा है। सुंदरबन नेशनल पार्क में हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हम यूज कर रहे हैं वहां पे, तो ये सारा कुछ ही बेटा आएगा यहाँ पे। तो अगर आपको नेशनल पार्क के बारे में नहीं पता होगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। आर यू रेडिंग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा, समझ लग रहा है सब कुछ? हाँ जी मानसी, बिल्कुल सही बोला आपने बेटा, गुड पे। थैंक यू मनजिंदर कौर, थैंक यू बेटा। सो नाउ वी मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। सो नॉट अनदर टॉपिक बट यस अनदर, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी है। देखो अब मध्य प्रदेश को याद करने के लिए मैंने कैच वर्ड दिया मैड, तो पहला ही मैंने मैड डाल दिया ये देखो, ठीक है। तो मैड का क्या मतलब होता है? मूर्ख। मैन का मतलब होता है आदमी। एक मूर्ख आदमी है, उसका नाम है इंदिरा, ठीक है। नाम क्या उसका? इंदिरा। सैट इन ए वैन, मतलब वो एक वैन
बैठा है, कहाँ पे बैठा है, एक वैन में बैठा है, किसके साथ बैठा है, दो उसके फ्रेंड है संजय एंड कन्हा, ठीक है, एंड दोनों के साथ बैठ के क्या पी रहा है, आम पन्ना। आम पन्ना का नाम सुना होगा, गर्मी में बहुत पीते हो आप आम, आम पन्ना, इसे मैंगो ड्रिंक, रोटन मैंगो ड्रिंक शायद कुछ ऐसा होता है। एंड एंड अराइव्ड एट, कहाँ पे पहुंचा वो, बांधवगढ़ ने मेंटल हॉस्पिटल, ठीक है, बांधवगढ़ कौन है, मेंटल हॉस्पिटल है, ठीक है। तो मैडमैन को, मूर्ख बंदे को कहाँ लेके जाओगे, मेंटल हॉस्पिटल ही लेके जाओगे, इट्स सो इजी, ठीक है ना। तो मैड से है माधव नेशनल पार्क, मैन से है मंडला नेशनल पार्क, इंदिरा से इंदिरा नेशनल पार्क, सत से सतपुरा नेशनल पार्क, संजय से संजय नेशनल पार्क, ये सारा कुछ ऐसे ही है वैसे, ठीक है। वन से वन विहार हो गया, संजय से संजय नेशनल पार्क हो गया, कन्हा नेशनल पार्क हो गया, पन्ना नेशनल पार्क हो गया, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया। इट्स इजी, सो डैम इजी, तभी मैं बोला हूं मैंने बच्चों को याद करवाए हैं। एंड आप मानोगे नहीं, जो इसका पिछले आपका जस्ट पिछला बैच रहा, उनको मैं इंडियन ज्योग्राफी में करवा रहा था, ये सारा कुछ जो मैंने आपको थोड़ी सी वीडियो भी डाली है, सारी नहीं है वो, सिर्फ दो तीन वीडियो डाली है, एंड दे वर एबल टू कनेक्ट, आप मानोगे नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या वो कनेक्ट कर पाए थे बाद में जब मैंने उनसे पेपर लिया ऑनलाइन, ठीक है। हाँ बेटा जगजीत कौर, आप हिंदी में भी नोट्स बना सकते हो, मेरे को एक बार चेक करवा लेना कैसे बना रहे हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो वो क्या कनेक्ट कर पा रहे थे, मैंने उनको एक ऑप्शन में दिया कि भाई ये वाला नेशनल पार्क यहाँ पे है, ये न्यूज में है, जैसे मैंने उनको बता दिया पन्ना नेशनल पार्क वाज इन न्यूज रिसेंटली, यूपीएससी की भाषा में, ठीक है। फर्स्ट मैंने ऑप्शन दी कि भाई वहां पे टाइगर्स रिसेंटली, टाइगर्स रिलोकेट किए गए हैं राजस्थान नंबर रणथंभौर नेशनल पार्क से, ठीक है, ये था करंट अफेयर्स का हिस्सा, ठीक है। फिर मैंने पा दिया गया, सेकंड डाला गया कि वहां पे कौन सी, पन्ना रिवर गुजर, पन्ना जो टाइगर रिजर्व है वहां पे कौन सी रिवर गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछा था मैंने सेकंड ऑप्शंस में, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में, नॉट ऑप्शन में। फिर थर्ड स्टेटमेंट मैंने डाली प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, एक स्टेटमेंट थी, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, टाइगर सेंसस के बारे में डाली थी, ठीक है। तो मैंने इन तीन स्टेटमेंट्स को ऐसे दे दिया, फिर मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू, तो मैंने बोला वन एंड टू आर ट्रू, टू एंड थ्री आर ट्रू, वन एंड थ्री आर ट्रू, वन टू एंड थ्री आर ट्रू, ठीक है ना, ऐसे करके ऑप्शंस बनाते हैं। तो ऐसा करके आपको थिंकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको ये ही नहीं पता कि पन्ना नेशनल पार्क क्या कहाँ पे है, तो हाउ विल यू गेट कि वहां पे कौन सी रिवर है, और ये भी नहीं पता चलेगा कि अगर मैंने एक यहाँ पे भी पूछा था जैसे कि भाई यहाँ पे माहौल कैसा होता है, मतलब वहां पे क्लाइमेट कैसा होता है। तो अगर आप सिर्फ यूपीएससी में अगर आपने पढ़ा ही होगा, जो बच्चे थर्ड ईयर के हैं उनको मैंने एनसीईआरटी में क्लाइमेट पढ़ने के लिए बोला था, तो उन्होंने कितने टाइप के क्लाइमेट पढ़े होंगे, है ना। तो आपको पता है मध्य प्रदेश में कैसा क्लाइमेट आता है, कैसी वेजिटेशन आती है, कैसा फ्लोरा एंड फौना आता है, नहीं बेटा। जब आप इन सारी डॉट्स को कनेक्ट करोगे तब आप यूपीएससी में डील कर पाओगे ये क्वेश्चंस। व्हाट वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ इज वी आर स्टार्टिंग विद द बेस, वेयर इज पन्ना, ठीक है। अगर आपको पन्ना पता होगा तो ये मध्य प्रदेश में आया, तब आप क्लाइमेट में पढ़ के आते हो कि वहां पे डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। क्लाइमेट में आपने पढ़ के, जो बच्चे पढ़े हैं जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है, जिनको मैंने बोला था थ्री ईयर वालों, सॉरी वन ईयर वालों को पढ़ने के लिए, उन्होंने पढ़ा है और उनको अब वो रिलेट भी कर पाएंगे, देखना कि मध्य प्रदेश में आपको लगता है कि डेसिडियस फॉरेस्ट होंगे, तो डेसिडियस फॉरेस्ट में कौन सा फ्लोरा एंड फौना होगा, फ्लोरा फौना के बाद वहां पे कौन सी रिवर आएगी, तो दीज आर हाउ यू नीड टू कनेक्ट इट। अभी बनीता टेंशन मत लो बेटा, वी विल स्टार्ट कनेक्टिंग इट वंस वी, अब इसको आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होती है तब वी विल स्टार्ट डूइंग इट। यूट्यूब वालों समय लग रहा कुछ, थैंक यू बेटा, थैंक यू, दीज आर द बेसिक थिंग्स वी नीड टू डू, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग सो स्लो, आगे जाके मैं तेज भी हो जाऊंगा, बट वी नीड टू गो स्लो नाउ, अगर मैं यहाँ पे अभी तेजी तेजी कर गया तो आगे जाके आपको कुछ नहीं समझ लगेगा बेटा, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग स्लो नाउ। सो लेट्स वंस अगेन गो थ्रू दिस, क्या लिख लिया बेटा आपने अपने कॉपी पे, मैड मैन इंदिरा, ठीक है, सैट इन ए वैन विद हिज फ्रेंड संजय एंड कन्हा,
ओके डन, शुड वी मूव अहेड? ओके नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेशनल पार्क. लेट मी शो यू व्हाट इज दिस. या यस, केरला. वेयर इज केरला? साउथ इंडिया में है. जिनको बेटा अभी नहीं पता चल रहा कि ये स्टेट्स कहाँ पे हैं, दे शुड गो एंड स्टार्ट हैव ए लुक एट द मैप ऑफ इंडिया. एक बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड ईयर ये वाले बच्चों को, ठीक है, कि बेटा घर में जब जहां पे भी आपका स्टडी टेबल है, दिस इज माई स्टडी टेबल, ठीक है, तो जहां पे भी आपका स्टडी टेबल है, आपके फ्रंट में जहां पे आप बैठते हो, चाहे वो खिड़की है चाहे दीवार है, जहां पे भी है, वहां पे दो फोटोएं जरूर होनी होगी. कैसी? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी ए वर्ल्ड मैप. ओके, वर्ल्ड का पूरा मैप होगा, ठीक है, वो आप जहां से मर्जी ढूंढो, जैसे मर्जी खरीदो, आई डोंट केयर, आप खरीदना पड़ेगा, दैट इज वन थिंग, ठीक है. दूसरी बात, इंडिया का फिजिकल या पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप जरूर रखो सामने. ये दो आपको जैसे जैसे आप पढ़ने बैठना ना, पूछना है इनको, रोज देखो उनको, अच्छा यार कल सर ने ये करवाया था, मैं इसकी जगह ढूंढता हूँ, मैं मध्य प्रदेश ढूंढता हूँ, क्या मैं ये देखता हूँ कि मध्य प्रदेश में कहाँ से लाइन ऑफ इक्वेटर पास कर, सॉरी लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है. अच्छा जब मैं देख ही रहा हूँ तो मैं आगे देख लेता हूँ कि ये मध्य प्रदेश से होते हुए आगे कहाँ कहाँ से जाती है, समझ रहे हो? दिस इज द क्रिटिकल थिंकिंग दैट आई वॉन्ट यू टू डेवलप. आप में ये डेवलप होनी चाहिए बेटा, ठीक है. एक मेरी रिक्वेस्ट मान लो, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. जब भी बैठोगे पढ़ने के लिए उसको नमस्कार करना है, और नमस्कार करके उसको रेगुलर देखना है आप, ठीक है बेटा, डन. ओके, सो केरला इज इन द साउथ इंडिया. वहां पे अनायमुड़ी नेशनल पार्क है, एंड इट इज द हाइएस्ट पीक इन द, कौन से, वेस्टर्न घाट की हाइएस्ट पीक इज अनायमुड़ी, ठीक है. तो अनायमुड़ी नेशनल पार्क, मथिकेतन नेशनल पार्क, पम्मादम नेशनल पार्क, पेरियार. पेरियार का मीनिंग होता है, वैसे ये बहुत बड़े थिंकर रहे हैं साउथ इंडिया के, एंटी ब्राह्मिकनिकल. जब आपको पढ़ाया जाएगा इंडियन हिस्ट्री तब इनके बारे में बताया जाएगा, वैसे इनका नाम होता है. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा गुलशन, यू आर गुड, डूइंग गुड बेटा, गुड बेटा. दीपक आप सही चल रहे हो. मनजिंदर, यस बढ़िया बेटा, ठीक है. सो पेरियार नेशनल पार्क का मतलब होता है जो बहुत रिवियर्ड हो, जिनको बड़ा सत्कार हो, ठीक है, पेरियार का ये मतलब होता है. और इसी नाम की वहां पे एक रिवर भी आती है, जो मेन रिवर है केरला की, हम पढ़ेंगे बाद में. तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है. जब मैं आपको करवाऊंगा ये सारा कुछ तो यू विल गेट टू नो. ओके, सो फर्स्ट इज अन्ना. अन्ना जो है, अन्ना अन्ना जो हमने कल वाले पढ़े थे, कितने नंबर पे थे अन्ना जी? अन्ना पूर्णा वाज एट विच नंबर? 100. श्रेया 100 नंबर पे, तो बेटा मैंने कराई कुछ नहीं. ठीक है, अन्ना का नाम सुन के अन्नापूर्णा याद आ गया. गुड बेटा, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. हाय संकेत. सो व्हाट वी आर नाउ थिंकिंग इज अन्ना इज राइटिंग मैथ्स पेपर. मैथ से मथी केतन आ जाएगा, ठीक है. मथी केतन पेपर, PAPEER, पेपर, ऐसे स्पेलिंग लिखने हैं आपने, ठीक है, PAPEER. ओके, पीए से है पम्बदम, पीई से है पेरियार, ईआर से है इराविकुलम, साइलेंट से है साइलेंट वैली नेशनल पार्क. केरला में ये सारा कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ. डन बेटा, साफ कर दूं सब कुछ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ. डू शेयर बेटा, ग्रुप में शेयर कर दिया करो, जो बच्चे होते हैं, कई बच्चों नहीं कर पाते हैं, तो आप खुद ही इनको शेयर कर दिया करो ग्रुप में. ओके, गुड बेटा, चलें आगे. ओके, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड बेटा, चलो आगे चलते हैं. नाउ वी हैव डन केरला आल्सो, नाउ वी डू व्हाट इज असम. असम का बेटा मैं आपको एक और करा देता हूं, लेट मी हैव अनदर वन फॉर दिस. लिखो लिखो यहाँ पे, ये थोड़ा सा पुराना हो गया, मैंने जब बहुत पहले बनाई थी ये, तब मैंने ये बनाया था.
लिख लो इसको आप, मैं लेट मी राइट ऑन ए वाइट बोर्ड, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ या आगे कर देते हैं हम, ठीक है, लेट मी राइट हियर, माँ माँ मेरी शाम का काजी राधे शादी मेरी और कलर ये बेटा कोई बात नहीं बेटा, यू कैन टेक इट, जिनका हो रहा वो स्क्रीनशॉट लेके कर लें, लेट मी आल्सो शेयर दिस विद यू, या दैट इज माना ना मेरी, ठीक है, माना इज ओ शिट, किसी ने लेके रखा था ये स्क्रीनशॉट, ठीक है, तो मेरे से डिलीट हो गया बेटा, तो इट इज माना ना मेरी, असम का काजी करा दी शादी मेरी, ऑरेंज कलर के गरम सूट पाए शेक्स के साथ, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं वो, ठीक है, कौन कौन से हैं, लेट मी सी, फर्स्ट इज मनास नेशनल पार्क, ओके, ठीक है, नेक्स्ट इज नामेरी नेशनल पार्क, ठीक है, उसके बाद असम, मतलब ये सारा कुछ कहाँ पे, असम में है, ठीक है ना, असम का काजी, काजी का मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क, बहुत मशहूर है बेटा ये, आपको पता होगा काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, उसके बाद करा दी शादी मेरी किसके साथ, ऑरेंज कलर, मतलब ओरंग नेशनल पार्क भी यहाँ पे है, सॉरी 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 सॉरी, इट्स ओरंग, ओ आर ए एन जी, ऑरेंज कलर होता है ना, तो ओरंग, ओरंग नेशनल पार्क, एक है शेख कुछ पार्क है वहां पे, नेशनल पार्क है, आप देख लेना कौन सा है, ठीक है, तो मैं बच्चों को करवाया था, तो दिस इज हाउ आई रिमेम्बर ऑल दिस थिंग, एक गरम भी है बीच में, तो गरम पानी भी आएगा यहाँ पे, मैंने बोला था ना गरम सूट पाए शेक के साथ, तो गरम पानी भी आएगा यहाँ पे, गरम पानी, जिस तरह से भी आपको बेटा ठीक लगता है, डिब्रू, हाँ डिब्रू के शेक है, डिब्रू का शेक था, यस यस बेटा, डिब्रू का शेक था, डिब्रू शेखोवा, यस वेरी गुड शशांक, डिब्रू शेखोवा, वेरी गुड, ये शेख क्या है, डिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, गर्म पानी बेटा, गर्म पानी नेशनल पार्क भी है, ओके, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज दैट, लेट मी थिंक, ये मानस भी हो गया, गर्म पानी भी होगा, औरंग भी होगा, डिब्रू भी हो गया, होलानपुर भी हो गया, होलानपुर नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, इसको रहने दो क्योंकि इसका डिग्रेड कर दिया गया, इसको भी नीचे कर दिया गया, ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज दैट, लेट मी शो यू, या उत्तराखंड, उत्तराखंड का तो बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है, यहाँ पे लिखा नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर रह गया मेरे से, यहाँ पे राजा जी नेशनल पार्क, ये सबको ही पता होगा, राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है, फिर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, मालन पशु विहार, वैली ऑफ फ्लावर, जो हेमकुट जाते समय आपको वैली ऑफ फ्लावर दिखता है, और साथ में है नंदा स्फीयर, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, तो हाउ विल यू रिमेम्बर ऑल दिस, ठीक है ना, तो राजा जी कोई राजा जी थे उत्तराखंड के, उन्होंने जिम में गोविंदा, गोविंदा की, गोविंदा एक माली का नाम था,
गोविंदा माली जैसी बॉडी बनाई, फिर वैली से फ्लावर लेकर उत्तराखंड की प्रिंसेस नंदा देवी को प्रपोज करने चल दिए। इट्स सो इजी, इट विल बिकम थोड़ा सा भी थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा बेटा, क्योंकि आपको कभी ऐसा सिखाया नहीं है, बट इट इज सो गुड, दिस मैसेज इज सो गुड कि अगर आप इसको समझ आओ, इट ये मेरा तरीका बेटा, दैट इज वट आई हैव टॉट। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा, यू कैन डू समथिंग और, कुछ और बना लो, गोविंदा गोविंद जो ऐसा करके बनाना चाहते हो। तो ये मेरा एक तरीका याद रखना, बस जो स्टेट है वहां उसका नाम बीच में डाल देना। जैसे मैं जब आपको बोलूंगा केरला, तो केरला से आपको याद आएगा पेपर, पेपर से याद आएगा अन्ना, ठीक है। अन्ना ने कहाँ पेपर बैठ के दिया था, केरला में पेपर बैठ के दिया था, कैसे दिया था, साइलेंट डील दिया था। तो यू विल, कौन सा पेपर दिया था, मैथ का पेपर दिया था। तो यू विल नॉट कंफ्यूज कि मथी केतन नेशनल पार्क कहाँ पे है। लग गई बेटा समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद करवाने के लिए। डन बेटा, कोई बात नहीं मनी गिल बेटा, वी विल ट्राई। जब जो बच्चे नए आते हैं, दे कैन कॉल मी, जब आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, दे कैन कॉल मी, तो वी कैन डील विद इट बेटा, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी अभी आपकी सेकेंड क्लास ही है, टेंशन मत लो, ओके। सो दिस इज उत्तराखंड नेशनल पार्क, लेट्स मूव अहेड। व्हाट हैज वी गॉट, वी हैव गॉट उड़ीसा। उड़ीसा में बहुत कम है, उड़ीसा और यूपी में कम ही है। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कर लो बेटा, दिल खुल के कर लो, पर आगे किसी को शेयर मत करना, अपना सीक्रेट किसी को बताते नहीं होते, ठीक है बेटा। मैं रोज क्लास लेने लग जाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे। चलो लेट्स डू, अभी स्टडी कर लेते हैं। सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक बर्ड, चिल्का झील के नाम का सुना तो होगा बहुत आपने, है ना। तो वो यहीं पे है। तो सिमली केवल चिल्का के लेक उड़ीसा के किनारे ही गाना गाती है। सिमली एक लड़की है जो केवल चिल्का लेक के किनारे उड़ीसा में ही गाना गाती है। तो सो डैम इजी, टेक ए स्क्रीनशॉट, याद कर लो बस इसको। व्हाई आई एम मेंशनिंग द स्टेट हियर बेटा, स्टेट इसलिए मैचर कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करो किसी और स्टेट के साथ। तो जब इसको आप रट्टे मारो, अच्छा इसको रट्टे मार लो आप, वैसे तो रट्टे मारने वाले हैं नहीं, बट इसको रट्टे मार लो, तो आप अपने बोलोगे यार सिमली कहाँ पे गाना गाती है, चिल्का लेक के किनारे गाना गाती है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, दैट्स वेरी गुड बेटा, ओके। तो दीज आर सम जो हमने किया है, ठीक है। जैसे अरुण, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी है, ये मैंने करा। ये सारी नहीं करवा रहा हूँ बेटा, सारी मैं आपको कराऊंगा जब सारा, अभी मैं तभी बोला हूँ सारी पिक्चर नहीं दिखा रहा हूँ, थोड़ी पिक्चर दिखा रहा हूँ, आगे भी तो कराना है कुछ। कल को तुम मेरी क्लास लगाना बंद कर दोगे फिर। तो वी हैव डन, ये सारा कुछ कर लिया हमने, मैं आपको रिवर्स के भी कराऊंगा, बट अभी नहीं करवा रहा हूँ, ये पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, तो तब देखेंगे हम सारा कुछ। तो नाम दफा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है ये हमारे पास, अरुणाचल प्रदेश में। अरुण से याद रखना अरुणाचल, नाम से रखना नाम दम्फा। अरुण, अरुण तुम नाम के पक्के हो, पक्के मतलब पकुई नेशनल पार्क। यस इट्स अ ट्रेलर, इट्स अ ट्रेलर दैट इज सो लॉन्ग। यस गुड बेटा, गुलशन कुमार इज डूइंग वेरी गुड। वो बच्चा क्या कर रहा है, वो साथ साथ में नेट पे बैठा होगा, वो साथ साथ में उसके स्क्वायर मीट कितना है क्या है। बेटा गुलशन एक चीज और करो, सारे बच्चे जो ये सारी लिख रहे हो, इनका देखो कि भाई ये कौन सी स्टेट में है, कहाँ पे लोकेटेड है ये, कोई इंपॉर्टेंट जानवर जो उसका वहां पे है, किस लिए जाना जाता है वो, और आपने क्या करना है आज के बाद। आज के बाद जब भी आपने सर्च मारनी है, कभी विकिपीडिया से नहीं पढ़ना बेटा, कभी नहीं पढ़ना। आपने क्या करना है, जैसे मैंने पढ़ना है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, आई नो वेयर इट इज, काजीरंगा इज इन असम, यू नो ऑल, ठीक है ना। काजीरंगा के बारे में जब भी पढ़ना है, यू शुड टाइप काजीरंगा यूपीएससी इन द गूगल, ठीक है, ये टाइप करना है। उसके बाद बड़े लिंक खुल जाएंगे, दृष्टि आईएएस, फलाना टिमकाना आईएएस, सारे पढ़ो, ठीक है। जब भी आपने टाइप करना, कुछ भी टाइप करना, नॉट नेशनल पार्क, कुछ भी और टाइप करना है जो आपको नहीं समझ लग रहा, जैसे आपने कोई मैथ की टर्म पढ़ी, सॉरी इकोनॉमिक्स की टर्म पढ़ी है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, आपको नहीं पता कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, टाइप मॉनेटरी पॉलिसी, आगे यूपीएससी डाल दो। सबसे अच्छा लिंक बेटा दृष्टि आईएएस का होता है, आई विल ट्राई एंड
वहां पे जाओ, वहां पे जाके समझने की कोशिश करो जितना समझ लगता है। बट दिस इज, ये छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताता बेटा, बट दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट थिंकिंग नाउ, ताकि आपको ये चीजें मेरे को बाद में ना बतानी पड़े। यार ये तो मैं विकिपीडिया पढ़ता रहेगा तो मेरे तो यूपीएससी के हिसाब से कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट डूइंग लाइक दिस, ओके। अरुण आचल, दीपक डोंगरे ने बहुत अच्छा बनाया, अरुण के साथ आचल भी जोड़ दिया, वेरी गुड दीपक, दैट्स गुड बेटा। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। अच्छा, कल मैंने आपको एक वादा किया था कि आई विल help you understand history also, not only geography. Geography का आपको trailer दिखा दी, let's show you small trailer of what we are going to do in history, ठीक है। History तो मैं नहीं करवाऊंगा, दो आई मेरी जो ऑप्शन था वो history था, and I know history over and out, and it is such a beautiful subject बेटा। अगर आप पढ़ने लग पड़ो तो आपको growth होती है, आपको समय लग रहा है कि भाई हम किस युग में जी रहे हैं, and you will try to appreciate कि हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। वर्ल्ड वार वन के कारण क्या थे, वही वर्ल्ड वार टू के कारण थे। वर्ल्ड वार टू क्यों हुई, उसके कारण वर्ल्ड वार वन में थे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये आप जब आपको हिस्ट्री कराएंगे आपके सर, दे विल टेल यू मच बेटर देन मी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अनदर थिंग, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट, ओके। सो यहाँ पे मैं अभी एक और चीज स्टार्ट करने जा रहा था। हाँ, जब भी आपने बेटा हिस्ट्री पढ़ते हो तो सब, मैंने जो जितने बच्चे आज तक पढ़ाए हैं तो बोलते सर आप हिस्ट्री तो हमें समझ लग जाती है, हमें ये नहीं समझ लगता सर कि क्रोनोलॉजिकल कैसे बनाए सीक्वेंस। व्हाट इज क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी को समझिए आप, ठीक है, क्रोनोलॉजी को समझिए आप। किसने बोला था ये, अमित भाई ने, याद आया किसी को? चलो अच्छी बात है। चलो तो क्रोनोलॉजी क्या होती है कि भाई पहले ये इवेंट हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, है ना। हाँ शिवम से ठीक, वेरी गुड। तो फर्स्ट इवेंट कौन सा, 1905 में कौन सी इवेंट हुए, ठीक है, 1906 में कौन से इवेंट हुए, ये क्रोनोलॉजिकली यूपीएससी सीरियल ऑर्डर में पूछती है आपसे, ठीक है। तो मैं जो आपको मेथड कराने जा रहा हूँ, मेरा मेथड भी सेम है, मेरा मेथड आपको याद करने में हेल्प करेगा, बेसिक बनाने में, नॉलेज बेस बनाने में, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। इसके ऊपर जितना आप बना पाओगे बेटा ये आपकी मेहनत है, क्योंकि पहले तो आपका बेस ही नहीं तैयार हो पाता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भाई लॉर्ड माउंटबेटन पहले आया था कि लॉर्ड वेवल पहले आया था, लॉर्ड वेवल पहले आया था कि लॉर्ड लॉर्ड क्लाइव पहले आया था, लॉर्ड क्लाइव पहले आया था कि लॉर्ड Baron Hastings पहले आया था। तो these are the sequences that you need to remember. We will remember and you will not forget it. बशर्ते आज आप घर जाके इसको अच्छे से रात को शाम को बैठ के दो घंटे आराम से लगाते हो, लेक्चर दोबारा देखते हो, लेक्चर विल बी अपलोड ऑलरेडी बेटा, डोंट वरी। यूट्यूब पे ये रिकॉर्ड भी हो रहा है अभी यहाँ पे, और यूट्यूब पे लोड भी होगा, जिस बच्चे को दोबारा जाके लेक्चर देखना है वो देख सकता है, बशर्ते आराम से बैठ के देखे, फोटो वहां से भी की सकता है, बट आपने पास रखना, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हिस्ट्री। तो मेरे हिस्ट्री का थैंक यू बेटा रचना, ओके। तो नाउ हिस्ट्री, हिस्ट्री मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको कराऊंगा, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट अवर गवर्नर जनरल्स। गवर्नर जनरल्स क्यों पढ़ने जरूरी है, क्योंकि ये मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में आते ही आते हैं, ठीक है। तो जब मैं आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपको सर कराएंगे तो आपको बताएंगे कि भाई सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, ए से जेड नहीं कराऊंगा, आज ए टू एम कराऊंगा बेटा। मेरे को आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कवर करनी है, इंग्लिश। तो ए से एम तक मैंने अभी तक बनाए हैं, वो करा दूंगा। ये कहाँ तक है, जब मैं गवर्नर जनरल्स डिस्कस करूंगा बेटा, अभी हम करने जा रहे हैं इसको, हम तीन फेजेस में पढ़ेंगे, ठीक है, या ठीक है, तीन फेजेस में पढ़ेंगे। तीन फेजेस कौन कौन से होंगे, पहला फेज होगा, लिख लो, 1772 से लेके 1833 तक, फिर 1833 से लेके 1905 तक, लिख लो बेटा, यहाँ पे मेरे से लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है,
खुद लिख लो, डिक्टेशन कर लो, ठीक है, 1905 तक। फिर 1905 से लेके 1957 तक, तीन फेजेस में हम इसको पढ़ेंगे। डन बेटा। अब जस्ट मैं आपको करवा जाऊंगा, याद करवा दूंगा, आज मैं आपको ये करवा रहा हूँ। फिर किसी दिन अगर आपको, मेरे को टाइम लगेगा, आप मेरे को बोलोगे सर करवा दो, नहीं समय लग रहा, तो आई विल डू दिस एंड दिस, इसकी वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ तक है, लेट्स डू दिस फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद आगे चले। तो बेटा गवर्नर जनरल कौन थे, इसके बारे में जनरल आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि ईस्ट इंडिया जब हमारे पे आई यहाँ पे, तो सबसे पहले जो इंडिया में इन्होंने जो युग जीता, जो सबसे पहले इंडिया में इन्होंने अच्छा मतलब जो लड़ाई जीती, वो थी 1757 की। सबको पता है कौन सी बैटल हुई थी 1757 में? साक्षी बेशा बेटा, ये 1905 से 1947 तक है, उसके बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं है। ओके, या बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी हुई जिसमें नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी, ठीक है, और उसके बाद जो है अंग्रेजों ने यहाँ पे इंडिया में धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो हुआ क्या कि सबसे पहले 18 ये 1757 से लेके यहाँ तक हमेशा एक ही चीज होती रही है, गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर होते थे तीन गवर्नर होते थे, एक होता था बंगाल का, एक होता था मुंबई का, जैसे बॉम्बे जिसको बुलाया था, और एक होता था चेन्नई का, ठीक है, नीचे से। तो होता क्या था कि अगर बंगाल वाला लड़ने जा रहा है तो अपनी साथियों से हेल्प मंगवा लेता था वो, या CDS3। ये क्या बेटा दीपक? ओके, तो तब तक तो ये तीनों 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 प्रेसिडेंसीज बोला जाता था, तीन इलाके थे, तीन प्रेसिडेंसीज थी, कोलकाता की, या जिसको बंगाल बोला जाता था, एक मद्रास की और एक बॉम्बे की, ठीक है ना। ये तीनों के गवर्नर डिफरेंट थे, तीनों के पास इक्वल पावर थी, ठीक है। ये कब तक सिस्टम चला? 1853 तक, 1833 तक। उसके बाद विलियम बेंटिक ने आके ये, मैं बता देता हूँ संकेत, एक बार बता देता हूँ बेटा, विलियम बेंटिक ने आके, विलियम बेंटिक का नाम आपको याद रखेंगे, ये 1833 में आया था बंदा, बड़ा मशहूर है, इसी ने सती प्रथा का खत्म किया था, सती प्रथा को बंगाल में, ठीक है। तो अब ये क्या करता बंदा आके, ये कहता है कि भाई हमें अब, क्योंकि 1833 आते आते तक इन्होंने मेजोरिटी ऑफ इंडिया पे कब्जा कर लिया था, सिर्फ पंजाब रह गया था और हमारे पास थोड़े से रिफ्रैक्टरी रूलर्स और थे, तो उनको कब्जा करने के लिए इन्होंने कहा कि हम बनाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है जी। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे बना। अब 1857 आते आते जब विद्रोह हुआ और उसके बाद जब कमीशन बैठा, ठीक है, 1857 की जो हमने वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी है, आजादी की लड़ाई लड़ी है वीर सावरकर के द्वारा, जैसे बताया जाता है हमें, ठीक है ना, यस, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो उसके बाद ये पोजीशन चेंज होगी वाइस रॉय में, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है ना। या वाइस रॉय कौन बना था पहला बताओ बेटा? दैट वाज लॉर्ड कैनिंग। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको सर कराएंगे, बट आज हम इनको याद करें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आपको तो ये पता था ना कि ए ए पहला अक्षर है मतलब अल्फाबेट का, ठीक है ना। ए से आपने याद करना ए फॉर एप्पल, ठीक है, एक याद ये चीज कर ली। दूसरा आपने याद करना कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, जो इंडिया था फर्स्ट गवर्नर था, ठीक है, वो है वैरन हेस्टिंग, गवर्नर ऑफ नॉट इंडिया बट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो उसको बंगाल को सुपरिटेंडेंस दी गई थी तब, तो इसलिए यहाँ पे इंडिया लिखा गया, वैसे एग्जैक्टली इट शुड बी गवर्नर ऑफ बंगाल। तो ये था वैरन हेस्टिंग। इंग्लिश के दो वर्ड है बेटा, वार, वार का मतलब समझते हो जंग, हेस्टिंग, हेस्ट करना मतलब होता है HASTE, हेस्ट करने का मतलब होता है तेजी से खत्म करना जंग। जब वर्ल्ड वार टू हुई बेटा, अमेरिका को बहुत ज्यादा दुखी किया था किसने? जापानियों ने। तो जापानियों को जल्दी, जापानियों को सबक सिखाने के लिए और जो वर्ल्ड वार है उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए अमेरिका ने एटम बम छोड़ा, ठीक है ना। और कहाँ पे गिरा हो? हिरोशिमा और नागासाकी के, अभी अभी बिल्कुल 6 और 7 अगस्त को उनकी हुई है एनिवर्सरी,
और बहुत ज्यादा आपको पता होगा, न्यूज पे भी आया था, नागासाकी और हिरोशिमा, ठीक है ना। तो वार है जंग, और हेस्टन होता है जल्दी जल्दी खत्म करना, हेस्ट करना मतलब जल्दी जल्दी करना। तो वार को जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए आपने बम फेंका, एटम बम, कहां से फेंका, जहाज से, ठीक है। और क्या होगा, हिरोशिमा बंद और लड़ाई खत्म होगी। तो वेर वार को हेस्ट करने में, वारन हेस्टिंग्स से याद रहेगा आपको, तो लिखो फर्स्ट इज वारन हेस्टिंग्स, ठीक है। और ये याद रखो कि क्या गिराया था उसने, एप्पल गिराया था, फैट मैन एंड लिटिल बॉय, वेरी गुड हरसिमरत कौर। या तो जैसे मर्जी बेटा, ये एक तरीका मेरा है आपको बताने का, आप इसको, मैंने तभी बताया, आप इसमें जो मर्जी स्पाइस डालो, जैसे आपको याद होता करो, आपको याद का, याद करने से मतलब है हमें, हमें ये नहीं है कि कैसे याद हुआ। नाउ यू विल नेवर फॉरगेट कि ए फॉर एप्पल था, तो एप्पल मतलब वारन, वार को जल्दी करने के लिए अमेरिका ने क्या फेंका, एप्पल, बस इतना ही याद रखो। इसको फैट मैन भी बोल सकते हो, इसको जैसे मर्जी आप याद रखना चाहते हो रखो। इतना समय लगा बेटा, शुड वी मूव अहेड। या बेटा मेजर, वेरी गुड निर्मल, गुड बेटा। समय लगा, चलो आगे चलते हैं। ए फॉर एप्पल, एप्पल किसने छोड़ा था, वार को खत्म करने के लिए अमेरिका ने जापान पे छोड़ा था एप्पल, ये याद रखो। बी फॉर क्या है, बॉय, और बॉय ने कौन सी शर्ट डाली हुई है, बच्चे ने, याद रखो मैकडॉनल्ड्स की, ठीक है, ओके। तो इमेजिन ए बॉय इन मैकडॉनल्ड्स ड्रेड, ठीक है। तो सेकंड जो है वो कौन सा, जॉन मैकफर्सन, मैक से याद रखो, मैकडॉनल्ड्स से ना कल पढ़ा था हमने, मैकडॉनल्ड्स से याद आया आपको कुछ, विच इज द फिफ्थ हाईएस्ट पीक। बड़ी जल्दी याद दे रहे यार, सोचना नहीं पड़ रहा आप तुम्हें, हैं? सोचना नहीं पड़ रहा है। सर याद तो करने दो आप। यू आर गेटिंग माई पॉइंट बेटा, समझ लग रहा। तो मैक, आपको ये नहीं याद रखना कौन है आगे, जैक, जैक है, कौन है जॉन, हमें नहीं पता, हमें पता है कि मैक जरूर है, मैक कौन सा, मैक पर्सन है, ठीक है जी। तो यू विल रिमेम्बर बी, बी फॉर इज बॉय, बॉय ने कौन सी कलर की शर्ट डाली है, मैकडॉनल्ड की, और ये कौन सा है, मैक पर्सन, मैक पर्सन, ओके डन। चलें आगे, व्हाट इज सी, सी इज फॉर कैट, ओके कैट, सी को क्या करना है आपने याद रखना, कैट, इमेजिन क्या करना कि वो क्या खा रही है, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न देखा ये वाला पॉपकॉर्न, सोचो ये टीवी देखते देखते क्या कर रही है। मैं इरेज कर देता हूँ बेटा, डोंट वरी, मैं इरेज कर देता हूँ, सॉरी ये मेरी हैबिट है इसको एक्सप्लेन करना, सॉरी। तो ये क्या खा रही है, पॉपकॉर्न खा रही है, कौन से याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है हमारा, कॉर्नवालिस, क्या नाम है उसका, कॉर्नवालिस, लग गई समझ, ओके बेटा, कॉर्नवालिस। बस आपने क्या करना है, इस वीडियो को एक बार फिर से जाके देख लेना, यू विल नेवर, यस वेरी गुड हरमनप्रीत, रेलवेज का जनक था, और ये ही वाज आल्सो जिसने पहली बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, और कौन सा, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लेके आया। अभी मैं आपको बेस बना रहा हूँ बेटा, अभी अच्छी बात है आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हो, पहले एक बार इसको घर जाके रिमेम्बर कर लेना, जब ये आपका क्रोनोलॉजी बन जाएगी, इसके बाद आपने उसके बीच में नमक मिर्च अपनी मर्जी से डाल देना। आपने रखना है कि कॉर्नवाल्स परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, कॉर्नवाल्स इज द हेड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विसेज का वो फादर ऑफ कहा जाता है, वेरी गुड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर कहा जाता है, उसने ये क्या क्या काम किए, और ठीक है ना, कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी, ये आपने इसके साथ ऐड करना। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्रोनोलॉजी बना रहे हैं, क्रोनोलॉजी इज द फर्स्ट स्टेप टू रिमेम्बरिंग हिस्ट्री, आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा। गुड गुरविंदर, दैट्स नाइस बेटा, सब बच्चों को याद आ रहा है अब कुछ है।
ओके बेटा, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। नाउ इज डी, डी इज डॉग, ये कुत्ता तो देखा ही होगा, ठीक है। अ बार्किंग डॉग मेक अ लॉट ऑफ नॉइस, ठीक है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट जोन शोर, तो कुत्ता भौंक भौंक के क्या मचा रहा है, शोर मचा रहा है, बस ये याद रख लो। आगे क्या है कोई चक्कर नहीं, शोर तो है। यूपीएससी हमेशा पूरा नाम लेती है, अगर पेपर में भी डालेगी या कोई सीजीएल भी पेपर में डालेगा तो वो पूरा नाम लेगी, जॉन मैकशोर। आपको तो क्या होना चाहिए, एक चीज ही पता होनी चाहिए, आप बाकी चीज कनेक्ट कर लोगे। लास्ट कॉर्नर जलना बेटा, गुलशन लास्ट है वो, या कोइंसिडेंटली नहीं बेटा, कोइंसिडेंटली करे गए हैं, ठीक है, दीज आर नॉट कोइंसिडेंसेस, ये सब कुछ करवाया गया आपको ताकि आपको समझ अच्छे से लगे। फर्स्ट बैरन ऑफ टीगन माउथ, वेरी गुड बेटा। क्या इनका दूसरा नाम है, बट ये इतना डिफिकल्ट तो कभी मेरे ख्याल से नहीं पूछेंगे, बट यू शुड नो अबाउट। अच्छी बात है, आप कनेक्ट कर रहे हो डॉट्स, वेरी गुड बेटा, गुड शुभम। ये समझ लग गया बेटा, एक है ई, ई फॉर है एलिफेंट, क्या है, ई फॉर एलिफेंट। इस बंदे का नाम सबको पता होगा, हु इज दैट पर्सन, क्लार्क, माइकल क्लार्क, है ना, माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन भी रहा है, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रहा है 2015 में। तो ये इसकी बड़ी वो थी एक, मतलब जैसे को बोला ना, अंधविश्वास था। तो जब भी ये सेंचुरी मारता था ना, तो ये क्या करता था, ये वाला केक खाता था कि एलिफेंट विकेट के आगे खिलौता है, और ये वाला केक खाता था जब भी ये सेंचुरी लगाता था, समझ गए। तो एलिफेंट, ये फोटो देख लो, ये फोटो याद रख लो, बस काम खत्म है आपका। क्लार्क से तो हम इंडिया वाले तो क्रिकेट का तो हमें जो मर्जी पूछो हमें याद होगा। तो आप क्लार्क को याद रख लोगे तो पता ही लग जाएगा एलिफेंट, एलिफेंट से याद आएगा विच इज नंबर एलिफेंट इज फिफ्थ, ए बी सी डी ई, फिफ्थ, फिफ्थ नंबर पे कौन सा हमारा गवर्नर जनरल है, एलियोड क्लार्क। आगे वाला नाम भी याद रहो बेटा, पीछे वाला याद रख लो, एलियोड क्लार्क, ठीक है। चलें आगे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा, गुड बेटा। यूट्यूब वालों आपको समझ लग रहा है बेटा, कोई दिक्कत हो तो बता देना आप, ठीक है, दैट्स गुड, गुड बेटा, गुड। आगे चलते हैं हम, ठीक है, आगे चलते हैं। तो फिफ्थ पे है ई, ई के बाद आता है एफ, एफ से याद रखना है आपने कौन सी चीज, फिश, क्या याद रखना है, फिश, एफ इज फॉर फिश। खराब खराब हो रही बेटा, यू कैन गो एंड लाइव स्ट्रीम भी जा सकते हो, अगर आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही तो, नहीं तो ऐसा करो कि यहाँ पे आवाज म्यूट करके आप दूसरी तरफ से ऑन कर लो, ठीक है, थोड़ा सा जैसे आपको ठीक लग रहा है वैसे कर लो, ठीक है, यू कैन गो देयर आल्सो, जिसको कोई प्रॉब्लम आ रहा है या जैसे भी आ रहा है। हाँ, वेरी गुड बेटा। तो नेक्स्ट गवर्नर जनरल कौन सा है हमारा, अर्ल ऑफ मॉर्निंगटन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अर्ल ऑफ मॉर्निंगटन, बेटा आप जहां पे मेरी फोटो आ रही है देखो, एक कैमरे वाली आ रही होगी, एक वो दूसरी वाली आ रही होगी ऑडियो वाली, जैसे आप कर सकते हो करके देख लो, ठीक है। क्या नाम है इसका, जिससे हम सारे जानते हैं इसको, दैट इज वेलिंगटन, अर्ल ऑफ, अर्ल ऑफ मॉर्निंगटन, ठीक है। ये समय लग गया, अब हम इसको समझते हैं कि इसको याद कैसे करना है। एफ से फिश, तो क्या नाम है जो अर्ल ऑफ मॉर्निंगटन है, मॉर्निंग में क्या खाता है वो, मॉर्निंग में मॉर्निंगटन क्या खाता है, फिश खाता है, फिश कहां से निकाल के खाता है, वेल से निकाल के खाता है, वेल मतलब कुएं से निकाल के वो फिश खाता है, ताजी ताजी, कहां खाता है, सुबह खाता है, कौन खाता है, मॉर्निंगटन खाता है, ठीक है। तो वेल से याद रखो वेलिंगटन, इसका दूसरा नाम था वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन, डब्ल्यू ई डबल आई एन जी टी ओ एन, वेलिंगटन, या एल्डेस्ट सर्ल ऑफ चार्ल्स वेलिंगटन, वेरी गुड बेटा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, नाउ यू विल रिमेंबर
ई के बाद क्या आता है? एफ। एफ में क्या है? फिश। फिश आपको प्लेट में रखी मिलेगी। कौन कौन खाता था सुबह फिश? तो मॉर्निंग बोलेंगे ना उसको, मॉर्निंग टन सुबह खाएगा। यहाँ तो इसका नाम लिख लो अर्ल ऑफ मॉर्निंग टन। इसका दूसरा नाम है वेलेसली। वेलेसली बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, टीपू सुल्तान को इसी ने हराया था। ठीक है, ये आप आगे जाके जाके इसको यूज करते हैं और याद करते रहना। ठीक है, इतना समय लग गया बेटा? आर यू फॉलोइंग मी बेटा? समय लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ? माजे सिंह जी, मच्छी तो बड़ी लगती है पर गर्मियां बेटा अभी। ओके, गुड गुड, दैट्स वेरी गुड बेटा। जहां पे नहीं लगे बेटा, आपको नहीं लग रहा या आपको कोई सेंस नहीं बन रही, तो यू कैन ऑलवेज मेरे को बता सकते हो। ठीक है, ओके। जी इज फॉर जिराफ। ये जिराफ दिख रहा है, सोचो आप जू में गए हो और ये बच्चा इसको क्या खिला रहा है? कॉर्न, पॉपकॉर्न खिला रहा है। फिर से वापस आ जाएगा कॉर्न वालिस। ठीक है, फिर से याद आएगा कॉर्न वालिस। नाउ एनी बॉडी कैन टेल मी कि भाई कॉर्न वालिस हमने किस नंबर पे पढ़ा था पहले? व्हाट वाज द कॉर्न वालिस का नंबर कितना था? या सी या थर्ड? समय लग रहा है? कैसे याद रखा? कॉर्न कौन खा रहा था? कौन कौन खा रहा था? वेरी गुड। आई डू रिमेम्बर नहीं बेटा? ओके बेटा, मनजिंदर को ये समय लग गया बेटा सब कुछ? इट्स इजी। नाउ विल यू कन गेट कंफ्यूज कि भाई कॉर्न वाले दो बार आ गया सर, इसको याद कैसे करना? आपको पता होगा कितनी बार आएगा तो कौन से नंबर पे आएगा, यू विल गेट द पिक्चर। ठीक है, तो आपने पिक्चर में जिराफ देखना है, जिराफ को कौन खा रहा है? खुआ रहा है। बच्चा खुआ रहा है, क्या खुआ रहा है? पॉपकॉर्न खुआ रहा है। बहुत इजी है। ठीक है जी, तो फिर से आ जाएगा कॉर्न वालिस। आगे चलते हैं हम, जी के बाद आता है एच। वेरी गुड जयदीप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट इज जॉर्ज बारलो। ठीक है ना, तो ये आप घर देख रहे हो, ये जो आप गेट लगाते हो, पहले ये सीखे लगाते होते थे ऐसे ऐसे करके, इनको बोला जाता था ये वाली। प्रिजन में भी सीखे होती है, याद है? जब जेल जेल में कभी किसी ने किसी को मूवी में देखा हो तो ऐसे ऐसे करके सीखे लगाई जाती है वहां पे। उसका नाम होता है बार। क्या नाम होता है? बार। तो आपने अपने घर के बाहर जो गेट लगाया, ठीक है ना, वो बहुत छोटा था, बार वाज लो। ठीक है ना, ये जो बार्स थी, ये जो बार्स हैं, ये बहुत छोटी थी, लो थी, बार लो। तो यू विल गेट कि हाउस के बाहर आपका क्या था, जो बार्स थी वो बहुत छोटी थी, अंडर द बार्स थी। ठीक है, वेरी गुड साक्षी, आर यू रिमेम्बरिंग दिस? मेरा आपको जो क्यू वर्ड होगा, जो आपको आपके दिमाग में चकाचौंध भरेगा, वो होगा एच। मैंने आपको एच देना है। यू विल टेल मी विच वाज द नंबर, कौन सा नंबर पे था, कौन सा? मैं गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं जब इसको हम और आगे लेके जाएंगे, आई विल ऑल्सो आस्क यू इसने क्या क्या काम किया बेटा, वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे, इसी एक पिक्चर में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू ट्राई टू रिमेम्बर योर व्हाट मेमोरी? पिक्चर्स मेमोरी। ओके, वी विल ट्राई, इसको आगे और लेके जाएंगे ताकि और अच्छा आपको लगे। ठीक है, आगे चलते हम। आई इज फॉर आइसक्रीम। ठीक है, ये भी पता चल गया आपको। आई इज फॉर, नेक्स्ट वर्ड इज आइसक्रीम। तो आइसक्रीम किस कलर की है? और नेक्स्ट जो क्या कहते हैं, लॉर्ड है या जो जो गवर्नर जनरल है, उसका नाम है मिंटो। क्या नाम है उसका? मिंटो। अगर आपको इंग्लिश थोड़ी सी भी आती हो तो इतना पता होगा कि मिंट फ्लेवर की आइसक्रीम आती है आजकल, ग्रीन ग्रीन कलर, पुदीना फ्लेवर जिसको बोलते हैं, याद है? है ना संकेत? गुड बेटा, तो यू विल ऑलवेज रिमेम्बर ये कलर। ये फोटो ध्यान में रख लो और इसको एसोसिएट कर लो आई से। आई इज फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम किस कलर की है? ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर की मतलब, ये साथ में मैंने पुदीना भी रखा देखो, ताकि आपको याद रहे। तो मिंट से मिंटो बना दिया हमने, इंग्लिश का वर्ड है मिंट, तो उससे मिंटो बना दिया, लॉर्ड मिंटो। या वेरी गुड लवली गुप्ता, बहुत अच्छा बेटा। अब यू रिमेम्बर ना कि लॉर्ड मिंटो पहले आया था कि लॉर्ड वेलेसली पहले आया था? ठीक है ना, अब आपको वो कंफ्यूजन नहीं होगी। जब वो कंफ्यूजन नहीं होगी, आपका बेस क्लियर है, इसके ऊपर आपको बिल्ड करना है बस। फोर्थ अर्ल ऑफ मिंटो। वेरी गुड बेटा, गुड बेटा प्रथम चावला, अच्छी बात है। यू तुम सारे बच्चे ऐसे करके कनेक्ट कर रहे हो, आई एम वेरी
मेरे को बहुत खुशी हो रही है बेटा ऐसा कर रहे हो आप, गुड। नेक्स्ट इज जे, आई के बाद जे आता है, व्हाट इज जे फॉर? जे इज फॉर जंपिंग गर्ल, एक गर्ल है उसका नाम है मोयरा, ठीक है जी। वो इतनी ज्यादा मतलब भागती है, इतनी ज्यादा टपूसियां मारती है, हम पंजाबी में उसको टपूसियां मारना कहते हैं, मतलब जंप करती रहती है, उसका नाम क्या डाल दिया, अर्लॉफ मोयरा। मोयरा एक गर्ल का नेम है जो सारा दिन जंप करती रहती है, जे इज फॉर जंप, ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है ना। सोखा बेटा आगे चलें, आगे हमें बहुत कुछ करना है, तो लेट्स गो, थोड़ा सा फास्ट करेंगे अब क्योंकि ये सब कुछ इजी है। शुभम बेटा मैंने एम तक करवाना है, तब तक देख लो कितने हैं, 1833 तक ये सारे हैं, 1772 से आप गूगल क्रोम, आप गूगल विकिपीडिया से जाके चेक कर सकते हो, ये सारा लिस्ट ट्रू है। के इज फॉर कैट, काइट, ठीक है ना, काइट। तो अगर सोचो कि काइट उड़ा रहा है, पर काइट को कौन उड़ा रहा है, एडम। यू नो हु इज एडम? क्रिश्चियनिटी में हमारे माना जाता है कि एडम वॉज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट मैन ऑन अर्थ। तो काइट भी सबसे पहले कौन उठाएगा, कौन उड़ाएगा, एडम, इज इट ओके। तो नेक्स्ट इज जॉन एडम, डन, इज इट ट्रू, ओके बेटा, गॉट इट, स्क्रीनशॉट लेना जल्दी ले लो। आगे चलते हम, अमेरिकन स्टेटमेंट, गुड बेटा। एल इज फॉर लैंप, तो आपने क्या देखा कि भाई एक बंदा, जैसे हमने पता लगा नंगा पर्वत पे, नंगा पर्वत वॉज विच पीक, कितने नंबर पे भी थी पीक थी। यार बेटा भूल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग, यू शुड फॉरगेट इट, कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था आपने, ठीक है। तो वही से आगे सोच लो, एक बंदा लैंप लेके जा रहा है, लैंप लेके कहां जा रहा है, एमहर्स्ट, सुन रहा है एमहर्स्ट, इसको आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये एवरेस्ट की नाम रहा है, एवरेस्ट की तरह है, एवरेस्ट, एवरेस्ट। तो सोचो एक बंदा क्या लेके जा रहा है, लैंप, लेकिन लैंप कौन लेके जा रहा है, कहां पे लेके जा रहा है, एमहर्स्ट, ठीक है ना, एवरेस्ट पे, ठीक है। इट इज साउंड्स लाइक एवरेस्ट, एमहर्स्ट, इसको दो बार, एक बार रिपीट करोगे बेटा लेक्चर को, यू विल गेट द पॉइंट, ओके। चलें आगे बेटा, जितना मैं आपको करा रहा हूं इसको कराने में बहुत मेहनत लगती है, ये एक दिन में नहीं बना, इसको 4-5 साल लगे हैं बेटा ये सारी प्रेजेंटेशन को बनने में, ठीक है। दैट इज वाई कि मेरे को पता है कि हर एक चीज का बेटो आपका, कि कहाँ आपको दिक्कत होगी, कहाँ आपको डिफिकल्टी होगी और कैसी उस डिफिकल्टी को ओवरकम करना, ठीक है, वेरी गुड बेटा। आगे चलते हम, एम इज फॉर मंकी, ठीक है, एम इज फॉर मंकी, मंकी, ये मंकी बटर देख रहे हो, और ये क्या कर रहा है, मंकी वही बटर खा रहा है, तो बटर कौन खा रहा है, बटर इज एम फॉर मंकी, तो मंकी से बटर खा रहा है कौन, बटरवर्थ, ठीक है, मंकी ये खा रहा है बटरवर्थ, बटरवर्थ इस का नाम है, ये जो जा रहा है उसके ऊपर बटरवर्थ लिखा हुआ है, ये सोचो बंदरवर्थ। दैट्स गुड अमन, तो ये आपको समझ लग जाएगी, इज इट ओके। ओके दैट्स वेरी गुड, तो लेट्स डू बेटा अ स्मॉल टेस्ट आपके लिए, आप मेरे को अब बताओगे, बिफोर वी गो टू पॉलिटी, पॉलिटी में आज नहीं करवाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है बेटा, आई हैव टू गो समवेयर, और उसी के लिए मेरे को थोड़ा सा आपको पॉलिटी में करवा दूंगा जब मेरे को आपको बोलोगे, लेट्स डू समथिंग, आपको रखना भी चाहिए थोड़ा सा आगे के लिए, तो लेट्स डू समथिंग, लेट्स डू व्हाट वाज, कैन समबडी टेल मी व्हाट वाज एफ, जल्दी जल्दी बेटा, बहुत सही, बहुत सही हो बेटा, सारे ठीक हो। सारे ठीक हो बेटा, मजा आ गया। फिर आगे चलते हैं हम, व्हाट वाज दैट, क्या बात है भाई साक्षी, पूरा का पूरा नाम याद।
वेरी गुड शिवम, गुड बेटा। श्रेया, गुड। प्रथम चावला, गुड। क्लार्क केबल नहीं है बेटा, माइकल क्लार्क, क्लार्क एक्टर, क्लार्क याद रखना आपको, अकेला लियो क्लार्क, गुड बेटा। दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया। व्हाट वाज एट जी? गुड साहिल, गुड जीसस डॉटर। बेटा अपना नाम लिखा करो, जीसस डॉटर मैं कैसे बुलाऊं आपको? मीनाक्षी बेटा, गुड। सबीना, निर्मल, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। व्हाट वाज एट एच? वेयर इज दीप ज्योत? पार्लो, जॉर्ज पार्लो, वेरी गुड, दैट्स अमेजिंग बेटा। व्हाट वाज एट डी? जॉन शोर, वेरी गुड बेटा, गुड। मानसी, जल्दी बताओ बेटा, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। राजविंदर, पारुल, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई और बचा? क्या रह गया? अब आई, आई आई रह गया, आई बताओ। ये भी याद है, बहुत बढ़िया बेटा, 20 बन रहा है आपका, लॉर्ड ऑफ मिंटो, बहुत बढ़िया बेटा। और कुछ बचा है? आई जे, व्हाट इज जे? बढ़िया मीनाक्षी, प्रीति, गीता, प्रीति वाधवा, प्रीति वाधवा बेटा अब तो ठीक है। कल आपने मतलब सभी बच्चों ने बोला, मेरे को भी बहुत पेट फील हुआ बेटा, एंड कल सारा दिन लग के फिर मैंने ये सिस्टम तैयार करवाया आपका, खुद तैयार किया बेटा। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट ताकि आपको एजुकेशन जो भी है वो अच्छी मिल पाए, ठीक है। मोरिया, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लवली गुप्ता, वी विल क्रैक यूपीएससी बेटा, यूपीएससी आई होप बेटा सब तुम पार करो, आई सिंसियरली होप। अगर आप ऐसे लगे रहोगे जैसा मैं बोलता हूँ, मेरे साथ मेहनत करो कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो सोचो इतनी मेहनत कोई कराता बेटा? कोई नहीं कराता। यहाँ पे आप चले जाओ जिस मर्जी इंस्टीट्यूट में, ये चीजें कोई नहीं कराता आपको, बेस तो कोई बनाता ही नहीं बताओ। वो पहले बोलते हैं आप इतना चीजें पढ़ के आओ फिर हम आपको एडमिशन दें, लाइक हम उन पे एहसान, वो हमारे पे एहसान कर रहे हैं, हमें एडमिशन दे के, ठीक है। दिस इज हाउ यू शुड तैयार, जैसे तैयारी करनी चाहिए, बट समहाउ इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है बेटा। बट वी आर ट्राइंग टू डू अ नॉवल थिंग हियर, कुछ अच्छा चीज करने की कोशिश कर रहे हैं हम अपनी ओर से, तो होपफुली वी सक्सीड इन इट। व्हाट इज जे? के, व्हाट इज के? के कोई बात नहीं बेटा, वेरी गुड। एडम, जॉन एडम, व्हाट लास्ट बच गया फिर? अब क्या बचा है? सी बच गया, सी भी बता दो। एम इज एम बता दो, एम और सी दोनों बता दो। सी इज कॉर्नवालिस, एम इज बटर, बटरवर्थ, बटरवर्थ, विलियम बटरवर्थ, वेरी गुड। तो अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन आपको अब क्रोनोलॉजी समझ लग जाएगी बेटा, ठीक है। ये सारे के सारे अगर आप नेट पे चेक करो तो ये 1833 तक आ जाएंगे आपके पास। फिर अगर कोई टाइम लगेगा ऐसा, मैं एक और बना दूंगा, दो वीडियो और बना दूंगा, ताकि आपका सारा ए टू जेड हिस्ट्री में आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। डन बेटा? मेरे पास और मेथड भी था, मैं आपको वो भी करवा सकता था, बट मैंने इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि वो रिमेम्बर करने में नहीं आपको हेल्प करता। कैसा है वो मेथड वो भी मैं बता देता हूँ। ये है, अगर आप नेट पे जाओगे तो आपको ये मेथड देखेगा, 4 1 2 3, ये तीन लाइनें बोलते हैं वो याद कराने के लिए, ठीक है। बट
मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये आप रिमेम्बर नहीं कर पाओगे, मान लो मेरी बात, जो ये मेरा मेथड है। अगर मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज हु वाज द फिफ्थ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश, दे दूंगा बेटा मैं, टेंशन मत लो, पहले आप ये पढ़ लो, ठीक है। वो द फिफ्थ गवर्नर जनरल, ए बी सी डी ई, ई वाज एलिफेंट, ई वाज एलिफेंट, एलिफेंट वाज क्लार्क। नाउ यू रिमेम्बर, आपको ये याद करने की जरूरत भी नहीं है, आपको एबीसीडी आती है ना, एबीसीडी तो नहीं बोलोगे ना आप, उसी के साथ मैंने ये लगा दिया। तो अब आपको समझ लग रहा है मेरा मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। जब हमने शुरू किया था तब मैंने आपको थोड़े 20-25-30 वर्ड याद करवाए थे ऐसे करके, याद है फर्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको बोलता था भाई ये बताओ केक के बाद क्या आता है। समबडी रिमेम्बर व्हाट वाज आफ्टर केक? हाँ हाँ वेरी गुड। और उसके बाद? वेरी गुड। उसके बाद? अमेजिंग बेटा, अमेजिंग, इफ यू कैन रिमेम्बर दिस, टू गुड यार, टू गुड। कृष्णा गिल बेटा टेंशन मत लो, टेंशन का यार, टेस्ट भी मैं बताता हूँ आपको, कल कल टेस्ट है आपका, टेंशन मत लो। यू वांट टू स्टडी, यू कॉल मैम, मैम मेरे को पढ़ना है, आप जितना मर्जी बोलो, मैं दोबारा टेस्ट देने को तैयार हूँ, पर मेरे को टाइम चाहिए, या जैसे ये है तो आई एम नॉट रेडी येट बट आई वॉन्ट टू स्टडी, ठीक है ना। तो घबराओ मत, पढ़ोगे आप सारे, पढ़ोगे, ठीक है बेटा। जिनको नहीं पता तो वो, जिन्होंने फर्स्ट क्लेश नहीं लगाई उनको नहीं पता होगा शायद, अदरवाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप ये वर्ड याद कर रहे हो तो ये कौन सी खेत की मूली है, ये तो आसान ही है सारा कुछ जो मैंने आपको कराया, व्हाट वाज फर्स्ट पीक, सेकंड पीक, थर्ड पीक, ठीक है। संकेत पज साहब वाज बिल्कुल सिंपल है बेटा, एक मैंने आपको याद करवाया था पज साहब, BHAJSAB। संकेत ये सिंह की सर ये करवा दो आप, मैं करवा देता हूँ बेटा, कोई बात नहीं। बी फॉर बाबुर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर औरंगजेब, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर, व्हाट इज एस फॉर? शाहजहां। ए फॉर से, ए फॉर अकबर, सॉरी यहाँ पे अकबर आएगा, मैं शायद औरंगजेब बोल गया हूँ, यहाँ पे औरंगजेब है, और लास्ट में है बहादुर शाह जफर, लास्ट वाला है बहादुर शाह जफर, और जफर जो द्वितीय वाला है, सेकंड वाला है, दैट वॉज द लास्ट मुगल एम्परर जिसको खत्म कर दिया गया उसके बाद, ठीक है, बहादुर शाह जफर। इज इट इजी? देखो हमने मुगल एम्परर भी बना दिए, खत्म कर दिया मुगल एम्परर्स, अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई कौन पहले आया कौन बाद में आया। इज दिस इज व्हाट आई लाइक टू टीच, दिस इज हाउ वी लाइक टू टीच, ठीक है ना। अब आपका आता है सबसे अच्छी बात, पॉलिटी नहीं मैं करा रहा हूँ बेटा अभी, क्योंकि टाइम कम है, आई वॉन्ट टू कवर ए वेरी गुड टॉपिक फर्स्ट। वैसे मेरे पास पॉलिटी की भी बहुत सारी स्लाइड्स हैं, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट आई नीड टू गो थ्रू इंग्लिश वोकैबुलरी फर्स्ट। सो व्हाट इज इंग्लिश वोकैबुलरी? आपको मैंने बताया था कि अगर आप मेरा मेथड फॉलो करोगे इन 3 मंथ्स यू विल बी एबल टू हैव 2000 वर्ड्स वोकैबुलरी बड़े इजी से, ठीक है, ओके। यू विल हैव अ वर्ड, वर्ड के सिनोनिम्स, वर्ड के एंटोनिम्स, वर्ड की यूजेस, ये तीनों चीजें आपके पास होंगी, ठीक है। और ये मैं आप, अगर आप 6 महीना मेरा मेथड यूज करते हो तो यू विल हैव 5000 वर्ड्स की वोकैबुलरी, ठीक है। और ये इट इज नॉट ए फ्लूक मेथड, मैंने आपको कल भी बताया था, दिस इज हाउ आई अचीव्ड द आईलेट्स बैंड स्कोर ऑफ 8.5। यू कैन सी दिस इज माय नेम, ये कोई गलत नहीं है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है बेटा, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। समबडी सेड कि भाई सर आप कैसे कर लेते हो, मैंने कोई आईएलटीएस इंस्टीट्यूट नहीं किया बेटा, सब कुछ घर बैठ के प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो दिस वॉज माई ओन मैथड जो आपको अभी सिखा रहा हूँ, जो आपको अभी आ रहा है, ठीक है। और इसको मैंने और अच्छे सीजन से तरीके से करवाया ताकि आपको इतना इजी लगे कि यू विल बी एबल टू, आज ही हम पढ़ के दिखाता हूँ, चलो लेट्स डू फर्स्ट एंड टॉक लेटर, ओके। लेट मी थिंक वन, एक चीज देखने दो बेटा मेरे को, तो कोई बात नहीं,
बेटा मैं आपके साथ ना जिफ शेयर करूंगा। जिफ पता क्या होता है? जिफ है ना, वो शेयर करूंगा आपके बाद, इसके क्लास के बाद। तो एवरीबॉडी शुड आंसर दोस क्वेश्चंस आज का, ठीक है? जिफ शेयर करूंगा मैं, क्या होते हैं नहीं को जिनको नहीं पता वो नेट पे सर्च कर ले, बहुत कॉमन चीज है जिफ क्या होती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट डेवलपिंग इंग्लिश वोकैबुलरी। अब इंग्लिश वोकैबुलरी, सो फर्स्ट वर्ड इज एक्सक्रूशिएट, इट डजंट होल्ड, कल भी बताया था ये आपके लिए कोई वर्ड मीनिंग नहीं रखता, ठीक है? इट डजंट होल्ड एनी मीनिंग फॉर यू, ठीक है? इसका वैसे मीनिंग क्या है? पेन। कौन सी पेन होना? इंटेंस पेन, कल पढ़ा था, वेरी गुड बेटा, कल कराया था इसकी एग्जांपल करवाई थी। इंटेंस पेन होना मतलब इंस्टेंस पेन नहीं होता बेटा, इंटेंस, इंटेंस का मतलब बहुत ज्यादा सिवियर, यहाँ इसको यहाँ पे लिखो सिवियर पेन, बहुत कितनी कैसी पेन है? असहनीय दर्द होना, असहनीय का मतलब होता है सिवियर, पेन का मतलब दर्द, ठीक है? और इसका अंग्रेजी का वर्ड है एक्स क्रू शी एट। योर ब्रेन इज सच वायर्ड, आपका ब्रेन इस तरह से वायर किया गया अंदर से, उसके अंदर तारे हैं जो इसको आप नर्वस सिस्टम बोलते हो, इस तरह से जुड़ा है कि जब मैंने आपको इसको तोड़ के बता दिया ना बेटा, अब इसको आपको तोड़ा याद रह जाएगा, अब आप इसको इकट्ठे नहीं पढ़ पाओगे। एक्सक्रूशिएट, you will say excruciate, 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 your brain will divide it ultimately, this is how, what is the beauty of your brain। x का मतलब होता है, इसको मैं a लिख सकता हूं, screw का मतलब screw लिख सकता हूं, c को she लिख सकता हूं, eat का मतलब होता है खाना खाना, eat, ate, खाना खाया। तो now try to visualize, वही जो हमने first वाला method किया था, ट्राई टू विजुअलाइज, एक बहुत सोनी सी लड़की है, लड़कियां लड़कों को इमेजिन करें, ठीक है? सीसीडी में बैठे हो आप, बहुत सोनी सी सुंदर सी लड़की आती है, वो आके वहां पे सैंडविच खा रही होती है, और सैंडविच खाते खाते उसके दांत में स्क्रू आ जाता है, जिसको आप नट बोलते हो, नट पंजाबी में, ठीक है ना? वो उसके दांत के नीचे आता है, जब दांत के नीचे आपके पत्थर आ जाता है या मतलब कोई स्क्रू आ जाता है, व्हाट इज द पेन यू, व्हाट इज द मतलब आपकी सेंसेशन कैसी होगी? पेंच है ना, तो क्या होगा आपको? मजा आएगा यार, पेच आया, चलो इसको यूज कर लेता हूं मैं। नहीं करोगे ना, तो व्हाट विल बी योर रिएक्शन ऑफ इंटेंस पेन, बहुत ज्यादा पेन, ठीक है? तो नाउ व्हेन आई से एक्सक्रूशिएट दैट मींस इंटेंस पेन, व्हाट इज डज इट मीन? इंटेंस पेन। या शुभम ना बहुत अच्छा बच्चा, ये साथ साथ में इमोजीज भी भेज देता है। कुछ चैट बॉक्स देख रहा होगा तो उसको समझ लग जाएगा। लग गया नीता बेटा समझ? दैट्स गुड, दैट्स गुड, वेरी गुड, जीसस की डॉटर, गुड बेटा। हाँ तो कैसी फीलिंग आएगी? टूटने वाली फीलिंग आएगी, दर्द ही होगा, है ना? तो यू विल रिमेम्बर अस्क्रूशिएट, एक्सक्रूशिएट का मीनिंग होता है अस्क्रूशिएट, और मतलब इंटेंस पेन। लग गया समझ? नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांजिएंट। देखो बेटा मैं एक ऐप डेवलप कर रहा हूँ, एंड आई विल लाइक यू ऑल टू डाउनलोड दोज ऐप, ठीक है? तो मैं अभी कर रहा हूँ, दैट इज अंडर डेवलपमेंट, आई विल ट्राई टू मेक इट, ठीक है? तो ट्रांजिएंट का उसमें क्या होगा कि मैं वर्ड दूंगा और उसकी मैं आपको झलक दिखा देता हूँ, इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, पिक्चर होगी, उसमें एक्सपंज लिखा होगा, उसका मीनिंग लिखा होगा, नीचे मैं और अभी बता नहीं पाया हूँ, उसके नीचे मैं आपको सिनोनिम्स दूंगा, उसके वर्ड की यूजेज दूंगा, ठीक है? वर्ड की यूजेज के बाद वी विल टेल यू उसके एंटोनिम्स क्या हैं, यूजेज क्या है उसकी, एग्जांपल्स क्या हैं। अगर इतना बेटा आप रिमेम्बर कर पाओगे ना, यू विल, आप कोई भी एग्जाम दे लो इंग्लिश में तो आप इससे अच्छी अंग्रेजी बोल ही नहीं पाओगे। अगर आप ग्रुप बनाओगे ना, चैट करोगे अंग्रेजी में, ठीक है? चलो लेट्स डू फर्स्ट ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड या पासिंग, आपको पता होगा बहुत थोड़ चिड़ा, जब आप पंजाबी कहें थोड़ चिड़ा, और अगर हिंदी में बोले बिल्कुल क्षण भर के लिए, बहुत कम समय के लिए, उसका नाम होता है ट्रांजिएंट, ठीक है? ट्रांजिएंट को कैसे याद करना, अगर इसको मैं तीन वर्ड में डिवाइड कर दूं, ठीक है? ट्रेन, सी एस डबल ई सी, आंट ए एन टी, ये देखा किसी ने?
हाँ बिल्कुल, बहुत कम टाइम के लिए, टेम्परेरीली भी बोल सकते हो इसको, बहुत क्षण भर टाइम के लिए, ठीक है? ओके, तो ये मैंने आपको वर्ड दे दिया, ये मैंने आपको मीनिंग दे दिया, आपने अब एसोसिएट करना इसको इसके साथ। आर यू, पहले आप मेरे को बताओ, आर यू सीइंग, एक आंट देख रहे हो, एक पटरी पे, देखो पटरी पे आंट चल रहा है, ठीक है, और आगे से आ रही है ट्रेन, ठीक है? तो जैसे आगे से ट्रेन आएगी तो वो पास कर जाएगा उसको, या तो उसके ऊपर से पास कर जाएगी या उसको वो बेचारा बच जाएगा, ये आप पे है। आर यू रिमेम्बरिंग इट, आर यू सीइंग इट, आंखें बंद करके रियलाइज करो, मैंने कल ही आपको वीडियो बताई है इसकी, दिखाई नहीं था वो आइंस्टाइन वाली वीडियो? चलो जो रिमेम्बर नहीं कर पा रहे, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बनवा के दे देता हूँ, ये ले लो। यू सीइंग दिस, इट्स फन, इट्स फन, दिस इज रिडिकुलस थिंकिंग, ओके, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन यू एंड नथिंग एल्स, ओके, आर यू एंजॉइंग इट, आर यू एंजॉइंग लेक्चर, इट्स इजी, गुड बेटा, गुड, दैट्स वेरी गुड टू सी, ओके, एक्रीमनी, एक्रीमनी, या इसको लेट मी सी, क्लियर करने दो इसको, एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस का मतलब होता है अनफ्रेंडली या एंग्री या मतलब बिटर, मतलब ये सारा कुछ होता है। तो इसको आपने कैसे डिवाइड करना है, लेट मी शो यू, ठीक है, लेट मी शो यू इन अनदर टैब, ए सी आर आई एम आई एन ओ यू एस, एक्रीमोनियस। एक तो वर्ड का रूट याद कर लो बेटा, मैं बताता हूँ क्या रूट होता है, कैसे उसको याद करना होता है, आज हम पढ़ेंगे भी इस चीज को, ठीक है, ए क्राई मनी, ये सुन रहे हो आपका, अ क्राई मनी, अ क्राई मनी, पैसे के लिए कौन रोता है बेटा, बच्चा रोता है, ठीक है ना? तो आपने विजुलाइज करना है, एक बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, और वो रो रो के क्या बोल रहा है यार आप, और साथ में आपने क्या एसोसिएट करना है, इसका मीनिंग, मीनिंग क्या है, बिटर या एंग्री, बिटरली एंग्री, कि जाओ यार आप मेरे पापा नहीं हो, आप मेरे को चॉकलेट लेके नहीं देते, मैं आपसे बात नहीं करता, राइट टू रिमेम्बर इट, ठीक है ना? तो एक्रीमनी आपके लिए वर्ड नहीं रह गया, अनफ्रेंडली रह गया, आप मेरे फादर नहीं हो, आप मेरे पापा नहीं हो, तो बेटे की तरह सोचो ना, इस तरह से सोचो कुछ समझ रहे हो? तो दैट वर्ड नाउ हैज ए मीनिंग, दैट वर्ड नाउ हैज ए स्टोरी, एंड दैट वर्ड नाउ विल बी इन योर माइंड, ठीक है ना? अब आप कभी किसी बच्चे को पैसे के लिए रोते देखोगे, यार दैट हैज, दैट चाइल्ड इज अ वेरी एक्रीमोनियस बिहेवियर, नाउ ये बिहेवियर है उसका, बिहेवियर का मतलब क्या, वो ऐसे बिहेव करता है, यार दैट चाइल्ड इज नाउ बिहेविंग एक्रीमोनियसली, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अंग्रेजी क्या बहुत बड़ी चीज है, बाहर से आई है कोई? नहीं बेटा, ये अगर आप मेरा मेथड यूज करोगे प्लस द हिंदू पढ़ोगे, ये दो चीजें कर लो मेरे साथ, इन 3 months यू विल बी सी चेंजेस, यू विल सी अ सी चेंज इन योर बिहेवियर, यू विल सी सी चेंज इन योर वोकैब, ओके, डन बेटा, एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? कृषि गिल बेटा, टेस्ट की टेंशन मत लो, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो बेटा, मैं बता देता हूँ सभी, क्लास के बाद आई विल टेल एवरीबॉडी, ओके लड्डी, ओके ओके बेटा, सब कुछ आज नहीं बताऊंगा, आज सिर्फ वोकैबुलरी बताऊंगा, ठीक है? इट इज ऑल ट्रेलर, कितने ट्रेलर दिखाए आपको मैंने, ये भी एक ट्रेलर देख लो, एक बार मेरे साथ देख लो, आज 50 वर्ड मेरे साथ पढ़ लो, इफ यू आर डूइंग दिस तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं किसी चीज की, ठीक है ना? नेक्स्ट वर्ड इज, लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट, लेट मी ऑब्लिटरेट को लिखने दो अच्छे से, एक मिनट बता, सॉरी एक मिनट, लेट मी टाइप हेड
नेक्स्ट वर्ड इज हेयर इज ऑब्लिट्रेट, लिखो ओ बी एल आई, मेरे साथ लिखो सारे के सारे, ठीक है, ओ बी एल आई टी ई आर ए टी ई, ठीक है, इसका मीनिंग होता है डिस्ट्रॉय करना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना, या इसका मीनिंग होता है एनआई ही लेकर ना, एन आई ए एन 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 आई एनाइहिलेट करना, ठीक है, एनाइहिलेट करना होता है इसका मीनिंग, ये अभी आप रहने दो एनाइहिलेट को, बट डिस्ट्रॉय करना इसका बेसिक मीनिंग, ओ शिट डिलीट हो गया मेरे से, तो चलो देख लेना, एनाइहिलेट का मतलब होता है, ऑब्लिट्रेट का मीनिंग होता है डिस्ट्रॉय करना, ऑब्लिट्रेट, एक मिनट रुको, ओ बी एल आई टी ई आर ए टी ई, ऑब्लिट्रेट that means destroy karna, okay, done, ab isko yaad kaise karna beta, koi pattern na raha ho aapke dimag mein batao, koi word jo aapne padha ho kabhi, ab abhi kabhi dekha koi word aisa, ye kaun sa word hai, वेरी गुड श्रेया, लिटरेट, अगर मैं इसके पास एम डाल दूं, मॉक, यस, लिटरेट का मतलब होता है एजुकेटेड, एम मॉब का मतलब होता है भीड़, ठीक है, अभी जो दिल्ली में जो दंगे हुए थे फरवरी में पता होगा सबको, या जलंधर में जो दंगे हुए थे एक बाबा जी के मरने के बाद, ठीक है, जब भी वहां पे जो भीड़ थी उसको आप क्राउड बोलते हो, मॉब, मॉब के आगे मैंने मॉब लगा दिया, मॉब होता है भीड़, वो वहां पे सारे भीड़ में पढ़े लिखे बंदे, ठीक है ना, एजुकेटेड पर्सन, दे डिस्ट्रॉयड द ट्रेन, या डिस्ट्रॉयड द सिटी, या डिस्ट्रॉयड दिल्ली, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, तो ऑब्लिट्रेट का क्या मीनिंग हो गया, डिस्ट्रॉय करना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इट्स इजी, ठीक है, इट्स इजी, गुड बेटा, अब एक और वर्ड है, लेट मी रिमेम्बर क्या है उसका वर्ड का मीनिंग, डिफिडेंट छोड़ो, वाक छोड़ो, एक और था वर्ड, बिकट, और सुपर गैडफ्लाई और चेटेड, ये तीन करते हैं, सबसे पहले करते हैं जेटेड, व्हाट इज जेटेड, इसकी मेरे पास बहुत अच्छी जिफ है बेटा, आफ्टर द क्लास मैं सबके साथ शेयर करूंगा कुछ चीजें, दे शुड ट्राई टू डू, आपको रिमेंबर करने में बहुत हेल्प होगी, ठीक है ना, और क्लास के बाद ही टेस्ट है आपका, अभी मैं दे रहा हूँ, ठीक है, जिफ के थ्रू लेऊंगा, ग्रुप में आ जाना, ग्रुप में आई विल शेयर इट, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज जेटर, जेटर का मतलब होता है टायर्ड, बहुत ज्यादा टायर्ड होना, या एग्जॉस्टेड होना, एग्जॉस्टेड मतलब पता है, एग्जॉस्टेड मतलब थक के चूर हो जाना, सीधी सी बात है, ठीक है, एक और वर्ड लिख लेता हूँ फिर इकट्ठे हम करते हैं सारे के सारे, ठीक है, एक था जेडेड, एक था गैडफ्लाई, गैडफ्लाई ये होता है इरिटेट करना किसी चीज को, इरिटेट करना, और लास्ट वाला होता था क्या था, लास्ट वाला बिकट, बी आई जी ओ टी, बिकट होता है नैरो माइंडेड पर्सन, नैरो माइंडेड पर्सन, Are you getting this? परेशान करना, very good. So, जेडेड को कैसे आप याद रखोगे? जडेजा का नाम सुना किसी ने? इसी बंदे ने, क्रिकेटर है वो जडेजा. तो try to remember, जडेजा जो एक बार लो सबसे एंड वाला बैट्समैन है, जो सबसे एंड में, या रविंद्र जडेजा, तो उसको क्रिकेट में खेलने के लिए ओपनिंग करने के लिए भेज दिया, ठीक है, वो ओपनिंग खेलता खेलता दो दिन खेलते ही रह गया, और जब दूसरी दिन के शाम को फाइनली वो आउट हुआ, तो वो आके अपने कमरे में बोलता कि भाई मैं तो डेड हो गया हूँ, जडेजा डेड, डेड मतलब होता है कि डेडली टायर्ड, मैं थक के चूर हो गया हूँ, ठीक है, आई एम टोटली एग्जॉस्टेड, आई एम टोटली जेडेड, जडेजा वॉज टोटली जेडेड, जेडेड का मतलब समझ लग गया, जडेजा डेड,
डेड मतलब डेडली टायर्ड, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं ना कि मैं इतना थक के चूर हो चुका हूं कि भाई मेरे से उठा भी नहीं जा रहा, तो उसकी अंग्रेजी क्या है, जिटर, क्या है, जिटर। नेक्स्ट इज गैड फ्लाई, ठीक है ना, या जडेजा डेड। फ्लाई का मतलब है मक्खी, ठीक है, गैड का मतलब है गद्दाफी। गद्दाफी का नाम सुना किसी ने, लीबिया का डिक्टेटर था बहुत बड़ा, ठीक है। तो एक उसने क्या देखा कि बहुत बड़ा डिक्टेटर है गद्दाफी, तो उसके नाक पे कड़ी मुड़ी ना एक बार बार एक मक्खी आके बैठ रही थी, तो इतना इरिटेट हो गया उसने गोली चला दी, किसके ऊपर, मक्खी के ऊपर, इरिटेट होके, दुखी होके, या तानाशाह, वेरी गुड। एक नेक्स्ट वर्ड है बिगट, BIGOT, इसको आपने याद रखना, यहाँ पे ए डाल दो, गोट बन गया, गोट मतलब बकरी, ठीक है, ओके। इसका साथ लेट करना नैरो माइंडेड के साथ, ठीक है। बाइक, और बाइक का मतलब होता है दो, आपको पता होगा बाईसाइकिल, बाईसाइकिल का मतलब होता है दो पहिए वाला साइकिल, है ना, बाइक का मतलब दो, और दो और गोट, गोट के साथ मतलब दो बकरियों के साथ एक बंदा चरवाहा जा रहा था, बहुत तंग पुल था, उस पे एक बार एक बकरी जा सकती थी, पर वो जबरदस्ती दो बकरियों को साथ में ले जाने के लिए बोल रहा था, तो वो कैसा बंदा होगा, बिगट, समझ लो कैसा बंदा होगा, बिगट। आज कब, आज के बाद जब आप भी ग्रुप में बात करोगे तो अगर किसी को बोलना होगा यार तू बड़ा मतलब छोटे दिल का इंसान है, ठीक है, तू बड़ा छोटे, तू छोटा सोचता है, यू विल से दैट पर्सन इज बिगट, ओके, यू आर बिगट। अगर आपको बोलना होगा सर आज मैं थक के चूर हो गया हूँ, आई विल नॉट अटेंड क्लास, सर आई एम फीलिंग जेडेड, मैं थक के चूर हो गया सर, बड़ा थकी हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको बोलना होगा सर मेरे को दर्द हो रही है, आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, सर आई एम फीलिंग एक्सक्रूशिएटिंग पेन, ठीक है ना, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है सर, आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, ठीक है, एक्सक्रूशिएटिंग, वेरी गुड। गेट फ्लाई, सर समथिंग इज टोटली गेट फ्लाइंग मी, तो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास। गेट फ्लाइंग मतलब इरिटेट करना, कोई चीज आपको इरिटेट कर रही है, ये बच्चा मेरे को इरिटेट कर रहा है, ये फोन मेरे को इरिटेट कर रहा है, दैट इज गेट फ्लाई। तो वर्ल्ड्स ऑल आर अराउंड यू। थैंक यू प्रथम बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट यार, वेरी गुड। संकेत इज गोइंग वन स्टेप अहेड, वो इसके साथ साथ में क्या कर रहा है, वो एंटोनम्स भी याद कर रहा है, जैसे कि इसने करा भी एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक जेटेड का ऑपोजिट होता है, एंथुजियास्टिक मतलब जैसे आज सारे आप बच्चे क्या एंथुजियास्टिक हो, सारे के सारे बच्चे क्लास लगाने के लिए, अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, दैट्स वेरी गुड, बट यू आर कनेक्टिंग द राइट डॉट्स, ओके, अभी पढ़ लोगे तो एंटोनम सिनोनम्स कभी चक्कर में नहीं खाते। कोई बच्चा बोल रहा था कल मेरे को सर सीडीएस में क्या आता है, बेटा इंग्लिश में वहां पे कम से कम 20-25 क्वेश्चन सिंटोनम सिनोनम्स एंटोनम्स आने हैं, ठीक है, तो अगर आप यही कर जाओगे तो काम तो आपका हो जाना सीडीएस जितना, तो ठीक है। तो सीडीएस का किसी बच्चे को पढ़ना हो, कुछ कुछ पूछना हो, तो कभी बेटा कॉल किया करो, बस रात में ना किया करो। आई फील वेरी टायर्ड, आई फील आई वॉज फीलिंग जेडेड यस्टरडे, ठीक है। बिगट का मतलब मीनिंग होता है बहुत छोटी सोच रखने वाला, छोटी सोच रखने वाला। बाई गोट, बाई का मतलब होता है दो, गोट का मतलब होता है बकरी, आपने सोचना है कि एक बंदा बकरी लेके जा रहा है, एक मिनट होल्ड करना, हाँ, एक बंदा बकरी लेके जा रहा है, बकरी कहाँ से जानी है, तंग पुल से जानी है, वो बंदे को बोला गया कि भाई एक बकरी एक टाइम जाएगी, ठीक है ना, तो वो जबरदस्ती दो बकरियों को लेके जाने की कोशिश कर रहा है, तो दैट पर्सन इज व्हाट, दैट पर्सन इज ए बिगट। व्हाट इज दैट पर्सन, दैट पर्सन इज ए बिगट। एक मिनट बेटा, एक मिनट होल्ड करना बस, ठीक है, ओके, चलो वी मूव हेड, वी अवर क्लास विल लास्ट नेक्स्ट 11:20 तक चलेगी बेटा, जिस बच्चे ने जाना वो जा सकता है, क्योंकि क्लास अभी 20-25 मिनट चलेगी, और उसके बाद आपकी खलासी होगी, ठीक है। जिसने बच्चे को नहीं जाना या जाना की कोशिश कर रहा है तो जा सकता है, दैट्स इट फॉर यू, ठीक है। लेट्स मूव नाउ अहेड, जल्दी जल्दी आप खत्म करेंगे, ठीक है। ये लड़की दिख रही है, ये लड़की बेचारी क्या कर रही है, स्पंज से साफ कर रही है, साफ की अंग्रेजी क्या होती है, रिमूव, इरेज करना, इरेजर होती ना उससे
इरेज करना होता है, इसका मतलब होता है एक्सपंज करना, ठीक है ना। एक्सपंज का यूसेज कहां पे है? नहीं कर रहा हूं बेटा खत्म, मैं तो करवा के जाऊंगा, 11, 20, 25 तक चलाऊंगा मैं, ठीक है ना। बाकी मेरे को आगे जाना है, थोड़ा सा जरूरी काम है, दैट इज व्हाई आई एम अर्ली थोड़ा सा कर रहा हूँ खत्म, ठीक है। अर्ली तो नहीं कर रहा हूँ, वैसे तो 2-2.5 घंटे हो जाएंगे मेरे को, टेंशन मत लो। तो एक्सपंज का मतलब होता है रिमूव करना, क्या करना, इरेज करना। इस तरफ ध्यान दो बेटा, सारे इस तरफ ध्यान दो, इरेज करना या रिमूव करना, ठीक है ना। ओके, तो एक्सपंज मींस रिमूव करना। लड़की की फोटो जरूर याद रखनी है, मैं किसी टाइम पे भी किसी को भी पर्सनल ग्रुप में सिर्फ फोटो डाल के भेजूंगा, यू हैव टू गिव मी द आंसर उसी टाइम पे, ताकि मेरे को पता चलो पता चले कि आप, यस बेटा मैं वाइप आउट कर देता हूँ, ठीक है बेटा आप ठीक बोल रहे हो, लेट मी क्लियर इट, एक मिनट। अब ठीक है, कर दिया बेटा, सारा कर दिया, ठीक है। टेक योर स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो दैट मींस एक्सपंज मींस रिमूव करना, इरेज करना। ट्राई टू विजुलाइज इट, नाउ इट्स ओनली अबाउट विजुलाइजिंग। एरुडिशन, ठीक है। एरुडिशन का मतलब आपने कभी देखा, एडिशन सुना, हर किसी बुक का नया एडिशन आता है, जब किसी भी बुक का नया एडिशन आता है तो हम बोलते हैं ये नया एडिशन है भाई। या वेरी गुड सोफिया, बहुत बढ़िया बेटा, दैट मींस एक्सपंज कर दिया, साफ कर दिया मैंने, जो अभी साफ किया स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके लिए, दैट इज एक्सपंज करना। बहुत बढ़िया बेटा, यू आर गोइंग द राइट वे, मैं सच में बता रहा हूँ, इतनी मेहनत करोगे तो बेटा हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। नाउ इट्स एवरी एडिशन, एडिशन एरो से पढ़ना याद रखना, एवरी एडिशन। ये बंदा देख रहे हो कितना पढ़ाकू है, इसके पास हर बुक की, हर किताब की, हर एडिशन की बुक है, ठीक है ना। तो ये बंदा कैसा होगा, आप हिंदी में इसको बोलोगे पढ़ाकू यार, कितना पढ़ाकू है तू, ठीक है ना, कितना पढ़ता है, कितना टॉपर जो होते हैं वो पढ़ाकू होते हैं। द टॉपर आर एरुडाइट पर्सन, यू आर ए एरुडाइट पर्सन, ठीक है, लग गया समझ, इज इट इजी। अगर मैं आपको फोटो दिखाऊंगा कल, विल यू बी एबल टू रिलेट इट, बताओ YouTube वालों, गुड गुड टू हियर इट, ठीक है। तो जिसको नॉलेज होएगी, जिसने रिसर्च की होएगी, जो साइंटिस्ट टाइप का होगा, जो स्कॉलरशिप ले लेगा, तो वो पर्सन कैसा होगा, एरुडाइट पर्सन, ठीक है ना। चले आगे, अब हम जल्दी जल्दी में 50 वर्ड कर जाएंगे, देखो कितने वर्ड करिए, आप नोट करिए कितने वर्ड हो गए। अगॉग, अगॉग को कैसे याद रखना, अ डॉग विद ए गॉगल, अ डॉग विद ए गॉगल कैसा है भाई, बड़ा क्यूरियस, आपको देख के बड़ी क्यूरियोसिटी होती है यार, कुत्ते ने फोटो डाली है, क्या बात है, कुत्ते ने गॉगल डाली और वो भी पब है, ये मेरा बेस्ट डॉग है, तो मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है इसके साथ फोटो खिंचाने की, ताकि मैं व्हाट्सएप पे डाल सकूं, ठीक है, स्टेटस है ना। तो अगॉग मींस क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु, क्यूरियस का मतलब एक्साइटेड, जैसे आप सारे बंदे, यू आर अगॉग्ड टू टेक माय क्लास, जब आप मेरी क्लास में आते हो तो यू आर वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है, जैसे अभी एक वर्ड लड़के ने बोला था, शुभम ने शायद, एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक, या ऑपोजिट है, वेरी गुड कोमल, एंथुजियास्टिक इज अगॉग, एक दोनों वर्ड किसके ऑपोजिट आएंगे बेटा, आज ही पढ़ा हमने जेडेड के, वेरी गुड बेटा, यू आर नाउ गेटिंग द पॉइंट, ओके, दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, दैट्स वेरी गुड। अब ये देखो प्यूराइल, अब दो दो करके आएंगे सारे, ठीक है। प्यूराइल, प्यूराइल का मतलब इसको याद कैसे करना, प्योर चाइल्ड, ठीक है। तो प्योर चाइल्ड, ये बच्चा बड़ा है और कैसी हरकतें कर रहा है, बच्चों वाली ना, यार तुम बचकानी हरकतें क्यों करते हो, तो आज के बाद यू विल से दैट पर्सन इज ए प्यूराइल। व्हाट इज दैट पर्सन, प्यूराइल। प्यूराइल को कैसे याद करना, इसको याद रख लो प्योर, आइल से याद कर लो चाइल्ड, ऐसे वर्ड याद कर सकते हो आप, प्योर चाइल्ड। तो जो प्योर बचकानी हरकतें करे, जो बंदा, जो अच्छा बटा हट्टा कट्टा बंदा, अडल्ट बंदा बचकानी हरकतें करे, उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर चाइल्ड। इज इट ओके बेटा, कि ज्यादा ऊपर से जा रहा है तो बता दो, आई शुड खत्म कर दूं क्लास फिर, हाँ इट्स ओके। उत्सुकता, यस मजर सिंह, वेरी गुड,
समय लग रहा बेटा? ओके गुड नाउ वी मूव टू बिमोन। आप सबने एक हिंदी वर्ड सुना होगा यार, जब कोई बहुत बड़ा बंदा मर जाता है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम मरा थे तो मरे थे, तो हर जगह पे 2 मिनट का मौन रखा जाता है। मौन कब रखा जाता है? जब किसी को ग्रीफ हो, जब किसी को सैड हो, जब कोई डिस्ट्रेस हो, जिसने किसी के अपना बड़ा क्लोज बंदा जो लूज करवा लिया हो या मर गया हो उसका, तो उसको ग्रीफ को एक्सप्रेस करने के लिए हम बोलते हैं बी मौन। क्या बोलते हैं हम? बी मौन। ठीक है जी, या बहुत बढ़िया संकेत। या उसके लिए आप बोलता कि द होल इंडिया बिमोन्ड द डेथ ऑफ राहत इंदौरी साहब। लग रही समझ में? क्या अंग्रेजी बहुत टफ है? आर यू सीइंग कि अब द हिंदू बहुत बड़े बच्चे बोलते सर वहां पे वोकैबुलरी बहुत ज्यादा है, हमें तो समझ ही नहीं आती। क्या इससे बड़ी वोकैबुलरी वहां पे होगी? नहीं। अगर आप मेरे साथ रोज 50 वर्ड पढ़ लो, आप तो हिंदू में जाके वहां पे बोलोगे सर हम आपको सिखाते हैं अंग्रेजी कैसे लिखनी है। ठीक है, जोकिंग, कभी इजी, थोड़ा इजी लेना होता है। ठीक है, बट इट्स दैट इजी। टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू पेटुलेंट। पेटुलेंट, पेटुलेंट ये पेट है ना, पेट का नाम सुना होगा, अंग्रेजी का वर्ड है पेट। कुत्ता आपका पेट है, बिल्ली आपकी पेट है, ठीक है ना। दीज आर पेट, जिसको आप पालते हो दैट्स पेट। यू का मतलब आप, लेंट का मतलब किसी 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 को दे के आए हो, तो उसको बोलते हैं लेंट। लेंट LENT इंग्लिश का वर्ड होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है बैड टेम्पर्ड या इरिटेबल। इरिटेबल के लिए हमने एक और वर्ड पढ़ा है, याद करो। बहुत बढ़िया हेमंत, सब मस्त हो यार तुम लोग। तो अब अगर मैं बोलूं पेटुलेंट का सिनोनिम क्या होगा? स्कैडफ्ली। इट्स दैट इजी। इसको याद कैसे करना? एक स्टोरी याद करनी है कि आपको कहीं बाहर जाना था, तो आपने ना अपने पड़ोसी को अपना कुत्ता कहा कि यार मैं कुत्ते को कहाँ लेके जाऊंगा, तो आप मेरा कुत्ता रख लो, ऊपर से कुत्ता कैसा है ये फोटो देख लो। क्या ये कुत्ता बहुत प्यारा कुत्ता है? क्या ये आपको आगे प्यार करेगा? नहीं करेगा तो क्या करेगा? इट इज बैड टेम्पर्ड, इट इज इरिटेबल, वो भौंकता ही रहेगा, आपकी नींद हराम करेगा। तो इट इज दैट इजी टू रिमेम्बर पेटुलेंट। मेरी क्लास में आप हंसते ही बड़े हो यार। हंसते हंसते हमने सब कुछ सीख जाना है। इज दैट इजी। हाँ दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट इज बीरेट करना, बी रेट करना। आपने बी ग्रेड सुना होगा, बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो बी ग्रेड में भी मूवीज करते हैं। तो एक बेचारा बहुत बड़ा हमारे पास डायरेक्टर था, उसके पास एक बंदा स्क्रीन राइटर अपनी स्क्रिप्ट लेके आया, तो वो उसको डांट रहा है यार ये कैसी घटिया सी मूवी की स्क्रिप्ट लेके आया, ये कैसी बिरेट बी ग्रेड मूवी की स्क्रिप्ट लेके आया। शक, थैंक्स बेटा, थैंक्स। तो बिरेट करना मतलब क्रिटिसाइज करना, स्कोल्ड करना। यूजली टीचर्स स्कोल्ड करते हैं हमें, जैसे अगर मैं आपको डांट दूं तो मैं आई विल बी स्कोल्डिंग यू, आई विल बी बिरेटिंग यू। बिरेट करना मतलब आपको कहना यार तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसे करना, इसको बोलते होते हैं बिरेट करना, लैश करना। बहुत अच्छा बेटा शुभम। शुभम गूगल खोला हुआ लगता है बीच में। दैट्स गुड बेटा, कोई बात नहीं, साथ साथ में पढ़ो, दैट्स वेरी गुड एरिया, दैट्स वेरी गुड। मध्य सिंह, यश मल्होत्रा, बहुत अच्छा बेटा। अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, अब तो आपका लाइव लेक्चर भी चल रहा है, ऊपर से मैं भी मतलब दूसरे पास से क्लिक मीटिंग भी चल रहा है, किसी को कोई इशू नहीं है ना। आज तो मेरे को एक भी वर्ड नहीं सुनना चाहिए, आई विल स्कोल्ड यू अदरवाइज ग्रुप में। ओके दैट्स गुड बेटा, लेट्स मूव अहेड। अच्छा नेक्स्ट वर्ड इज मंडेन। मंडेन, जो लोग काम करते हैं, तुम में से बहुत सारे लोग मेरे को कल मैसेज भी किया था और फोन भी किया था, क्लीन कर दूं बेटा अब तो मैंने निकाल दी, लेट मी पीछे चलते हैं। एक मिनट बस, एक मिनट बेटा, लो बेटा क्लियर कर दी। क्लियर नहीं कर दी बेटा, क्या बोलेंगे हम इसको? उतरा, क्या बोलेंगे इसको? आई एक्सपंज्ड द स्क्रीन। वेरी गुड, हर चीज में अंग्रेजी है बेटा, दैट इज वाई मेरी वोकैबुलरी कैसे डेवलप हुई है बेटा। इट्स नॉट 1-2 वर्ड में, बट बहुत टाइम में, 2-3 साल लग गए वैसे, पर ये मेथड फिर मैंने सोचा यार ये तो आसान ही पड़ा है, जो
जो आपको करा रहा हूँ बेटा ये मेरी मेहनत है पिछले 8 साल की, जो आपको फ्रीली बांट रहा हूँ मैं, ठीक है? तो कभी मेहनत करना, फिर जितनी ट्राई टू, जब बोलते ना कि मेरी शक्तियों का गलत उपयोग मत करना, तो वही कह रहा हूँ, तो ट्राई टू फाइंड इट, ठीक है? ट्राई टू यूज इट जुडिशियसली, ओके? मंडेन इज, इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी, कॉमन सा दिन है, आम सा दिन है मेरा, बोरिंग सा दिन है, ठीक है ना? बोलते ना यार आज मेरा बड़ा बोर कर रहा हूँ मैं, बहुत बहुत क्या शक्ति हूँ, गलत उपयोग मत करो, ठीक है? तो मंडेन इज बेसिकली वेरी कॉमन, बोरिंग। इसको याद कैसे करना, मंडेन से मंडे याद आ रहा आपको? बहुत सारे लोग तुम्हारे में से हैं जो काम करते हैं, ठीक है? और जो काम करते हैं उनको पता है सैटरडे आने में क्या हाल होता है और संडे आने में और मंडे आने के बाद क्या हाल होता है। मंडे से बोर दिन कोई जिंदगी में नहीं हो सकता, जो बच्चे काम करते हैं उनके, ठीक है? जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनके भी, ठीक है? तो मंडे इज मंडे, ठीक है? इजी है, तो मंडेन से मंडेन याद रख लो, ठीक है? आगे जाके और वर्ड कराऊंगा मैं, बनोस्टिक और वो सारा, वो आपने साथ में रिलेट करना, उनका वर्ड भी, उनका मीनिंग भी सेम है। लेट मी क्लियर इट फर्स्ट ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले पाओ, ठीक है? एंड्रॉइड, एंड्रॉइड का मतलब सुना कभी आपने? एंड्रॉइड गूगल एंड्रॉइड, आपके सारे जो फोन है वो एंड्रॉइड के होते हैं, जो स्मार्टफोन होते हैं, है ना? स्मार्ट से याद रख लो, जो क्लेवर होता है, वो एंड्रॉइड होता है, एंड्रॉइड नहीं, ADROID, ठीक है? तो गूगल ने एंड्रॉइड बनाया, उसने सारी की सारी चलाकी से सारी की सारी स्मार्टफोन मार्केट अपनी तरफ कर ली। तो एंड्रॉइड का मतलब होता है क्लेवर होना बंदा, एंड्रॉइड का मतलब होता है कि शातिर होना बंदा, स्मार्ट होना बंदा, इंटेलिजेंट होना बंदा। कितने देखो हमने कर लिए एंड्रॉइड से, यू विल नेवर फॉरगेट। चतुर, वेरी गुड रवीना, चतुर, स्मार्ट, चतुर, जो भी आप इसको हिंदी में कर पाते हो बेटा, कई बच्चे हैं जो हिंदी में हैं, एंड आई रिस्पेक्ट देयर नॉलेज, तो वो हिंदी में अगर याद कर पाए, अपने हिंदी से वर्ड अगर पाए, उससे अच्छी बात क्या बेटा मेरे लिए। जैसे मर्जी याद रखो, मेरा मेथड ही ये है कि आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि हिंदी ही पढ़ो, आप अंग्रेजी भी पढ़ सकते हो, ठीक है? बट हिंदी के साथ आप अपने मीनिंग लिख के रख लो, आई एम दैट गुड हैप्पी। कनिंग, वेरी गुड बेटा, कनिंग इट्स आर दैट वी गुड। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ले ली है तो अच्छी बात है। करूं आगे, चलें, नेट्स वी मूव ऑन टू आगे, टाइम कम है हमारे पास, जल्दी जल्दी खत्म भी करना, बहुत सिलेबस है हमारा। नाउ ये बंदा देखा, ये बंदा क्या है, आपको क्या क्लासिकली लग रहा है ये बंदा? नीचे मत पढ़ो, ऊपर क्या लग रहा है, कैसा बंदा होगा? शुभम सिंह बुक्कर, बुक्कर, मैं भी यही बोलने वाला था, इट्स क्वाइट लाइक बुक्कर, ठीक है ना? गुल्लू, बुक्कर, फूडी, यस। तो बेसिकली अगर आप साइंस की टर्म्स में बोलो तो ये बंदा क्या खा रहा है, ग्लूकोज खा रहा है। कोई भी फूड खाते हो उसमें ग्लूकोज होता है, तभी आपकी बॉडी को एनर्जी मिल पाती है, ठीक है? ठीक है, ये समझ लग गया। इसका मतलब होता है एक्सेसिवली ग्रीडी ईटर, मतलब बहुत ज्यादा बुक्कर इंसान। जैसे कोई लोग ब्याह शादियों में जाते हैं तो सारे के सारे स्टॉल जाते हैं कि खाना तो चाहे मैं इतना सही है पर सारा स्टॉल खा के आऊंगा मैं, 20-25-30 स्टॉल खा लेते हैं। तो वो कैसे लोग होते हैं, ग्लूटन पर्सन। तो आज के बाद आपने किसी को भी बोलना है यार तू तो बड़ा बुखड़ है, तो क्या बोलोगे, यार यू आर सच ए ग्लूटिश पर्सन, तू तो बुखड़ है, ठीक है? तो अंग्रेजी भी सेम है बेटा, सेम, जैसे हम नॉर्मल पार्लांस में बात करते हैं एक दूसरे, यार तू बुखड़ है और बुखड़ आ जा इधर, ठीक है ना? शॉर्ट नेम लेते हैं, पर्सनल निक नेम लेते हैं, तो ऐसे भी तो याद कर सकते हो आप। It's so easy. Gluton is glucose को जो टन के हिसाब से खाता है, तो कैसा पर्सन होगा वो, टनों के हिसाब से ग्लूकोज खा रहा है, तो that is glutish, gluten person. आगे देखो, adamant होता है जो stubborn हो, जो अपनी जगह से हिलने वाला ना हो, जो unyielding हो, ठीक है? जो स्टेडी हो, जो मतलब अपनी जगह से हिले ना, उसको बोलते हैं स्टबर्न, उसको बोलते हैं एडामेंट। इसको याद कर, आंटी देख रहे हो, आंटी आंटी स्कूटी पे बैठी है, आंटी ने आपको देख लिया कि आपने कोई गलत काम किया उनके साथ, तो वो क्या हो गई, एडम की आंटी बड़ी एडामेंट है, एडम की आंटी बड़ी स्टबर्न है, एडम की आंटी बड़ी कौन सी है, ही इज रिफ्यूजिंग टू, ये जिद्दी है, बहुत अच्छी बेटा, जिद्दी है, वेरी गुड, आपका दिमाग चलने शुरू हो गया अब, ठीक है? लेट मी रिमूव इट।
कितने वर्ड हो गए? आर समबडी इज काउंटिंग, या दिलीप वेरी बहुत अच्छा, ठीक है कृषिकल दैट्स गुड, माजर सिंह वेरी गुड, बुक्कर। पता क्या ये वो चीज होते हैं, फॉरबिड करना, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 18 हो गए, और करते हैं फिर आगे, लेट्स डू जल्दी जल्दी। नेक्स्ट वर्ड इज, लेट मी शो यू हियर, ये वर्ड शो हो रहा है, नहीं ये वर्ड है थोड़ा, दिस इज इनर्वेट। इनर्वेट का मतलब होता है कि भाई वीक कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, या थक के चूर हो जाना, ठीक है ना, थक के चूर। अभी बेटा रुको, शुभम भी रुक जाओ, तो थक के चूर हो जाना, थक जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, ये सारा है इनर्वेट। कोई वर्ड पढ़ा तुम तो पहले याद है यार, तुमको तो पहले याद हो गया सारे कुछ, कितने वर्ड याद करी जा रहे हो आज। इनर्वेट, इनर्वेट का मतलब होता है देखो एनर्जी वेस्ट। जिस बंदे की एनर्जी वेस्ट होगी तो उसका क्या हाल होगा, इस बंदे जैसा, इस लड़की जैसा, लग रहे हो समझ? ओके ठीक है, इट्स इजी। जेडर्ड, इनर्वेट एक तरह के सिनोनिम्स हैं। ओके उसी तरह कैस्टिगेट करना, कैस्टिगेट का मतलब इसको आपने कैसे याद करना है, कास्ट से याद रखना, कास्ट, जो बंदा फेवर करता है कास्ट को, ठीक है, टीचर उसको क्या करते हैं, आप स्कूल के टीचर उसको क्या करते हैं, उसके कान पकड़ के उसको चपेड़े मारते हैं कि भाई आपने कैसे बोल दिया कि भाई कास्ट सिस्टम के बारे में, कास्ट सिस्टम अच्छा है। तो कास्ट सिस्टम को दूर करने के लिए टीचर क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, टीचर क्या करते हैं, पनिश करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा साक्षी, रिप्रिमाइंड करते हैं, रिप्रिमाइंड एक नया वर्ड है आपके लिए, ठीक है, रिप्रिमाइंड, ठीक है। तो दिस इज कैस्टिगेशन, ओके, कैस्टिगेट करना। इसका पास मेरा बहुत अच्छा है और मैं आपको शेयर करूंगा और सबने जवाब देना है, आई विल शेयर इट इन द ग्रुप, ओके, पर मैं ग्रुप में बेटा मेरे पास लिमिटेशन है क्योंकि समबडी विल से कि भाई ये क्या आप सिखा रहे हो सर, ठीक है, ये जिफ अच्छी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ शायद एक डिफरेंट ग्रुप बना लें हम अपना, ताकि इट इज ईजी फॉर अस टू शेयर अवर कंटेंट बाकी टीचर से, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हो जाता है आगे कंटेंट, है ना। तो अगर हम सारा कुछ अपनी एक ही साइड से करेंगे तो आप कोई भी एक बंदा मेरे को एडमिन बना दो, ठीक है, तो हम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये कंटेंट हमारे से बाहर ना जाए ग्रुप में से, आई डोंट वॉन्ट टू शेयर इट विद एवरीबडी, ठीक है। कोई भी एक बंदा कोई ग्रुप बना ले, एडमिन मेरे को बना ले और मेरे को जरूर बनाए, ये ना कल को मेरे को बाहर कर दो आप सर आप कौन है, ठीक है। तो यू फॉर्म ए ग्रुप एंड देन आई विल शेयर द जिफ्स, ठीक है, और जिफ से जो आपको समझ लगेगा ना बेटा, यू विल नेवर फॉरगेट इट। और आप, मैं सिर्फ जिफ भेजूंगा, आपने मेरे को उसका आंसर भेजना सबने, ठीक है। लेट्स स्टडी आगे, कैस्टिगेट भी हो गया, कोई भी बना लो बेटा आपस में डिसाइड करके आफ्टर द क्लास, जो भी बच्चा बन सकता है बना लो। डेविल का नाम सुनो अगर, तो डेविलरी का मतलब होता है जो मलिशियस हो, ब्लैक मैजिक को बढ़ावा देने वाला हो, काला जादू करने वाला हो, जो मतलब बड़ा टूने टाने करता, टूना का नाम सुना होगा, टूने जो भी करते हैं, काला जादू करते हैं, विकेट है जो मतलब ऐसी अंधविश्वासी, अंधविश्वासी बोलेंगे हम इसको, अंधविश्वास है, डेविलरी है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड क्या, ये आपको डेविल की फोटो से याद रहेगा, ठीक है ना, दैट इज डेविलरी। विचक्राफ्ट बहुत अच्छी बात है सोफिया, यू आर गेटिंग इट। डेविल बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर आप समझ पा रहे हो तो, ठीक है, बहुत अच्छा। माजर सिंह बहुत अच्छे चगला चल रहे हो बेटा, दिस इज वेरी गुड। जो आपको मीनिंग अच्छा लगता है आपके हिसाब से भी बना सकते हो, मैंने आपको पहले दिन से ही बोला है बेटा, आई विल गिव यू द रॉड टू ट्रेवल, ट्रेवल आप जैसे मर्जी करो, जैसे मर्जी उसके ऊपर, जैसे हम बनाते हैं ना वो क्या कहते हैं पिज्जा बनाते हैं, तो पिज्जा का बेस बनाना मैं आपका बना रहा हूँ, ऊपर जो मर्जी करते रहो, आप जैसे मर्जी बनाते रहो, आपका बेस बनाना मेरा काम है, ठीक है। चले आगे, बिफडल, वेरी इंपॉर्टेंट, बिफडल एक वर्ड होता है पजल। पजल करने का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पजल कर दिया, तो मैंने आपको क्या कर दिया, दुखी कर दिया, क्या दुखी करना होता है इसका मीनिंग, क्या कंफ्यूज करना होता है इसका मीनिंग, वेरी गुड, बहुत बड़ी रवीना, बहुत अच्छी बात है बेटा, यू आर गेटिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिविल्डर्ड, बिफल्डर्ड, कंफ्यूज, दुविधा में डालना, कितना कुछ आता है यार आपको तो, वेरी गुड। वूजी, वेरी गुड। तो ये पजल से याद रखो,
जो कोई पजल हो जाता है बंदा कि मैं कौन सी सड़क से जाऊं, यहां से आऊं, यहां से आऊं, तो दिस इज बेटी गेटिंग कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो कंफ्यूज्ड मतलब पजल करना अपने आप। ओके, इट्स गुड बेटा, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? लेट मी रिमूव इट। ओके, चले आगे, लेट्स सी नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज अगास्ट। अगास्ट से आप याद रखो, ये बंदा क्या दिख रहा है आपको, खुश हो रहा है? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, व्हाट इज पर्सन डूइंग? या डर रहा है, चौंक गया, शॉक्ड हो गया। ठीक है, किसी ने अगर वो कॉन्जुरिंग मूवी देखी हो तो आपको पता होगा कि भाई कॉन्जुरिंग मूवी में जो एक्टर होते हैं वो एकदम से भूत आ जाता है ना, तो भूत आया था तो इट्स लाइक आप क्या करोगे, डर जाओगे, है ना। दिस इज व्हाट अगास्ट लुक्स लाइक। ओके, अगास्ट, आई फेल्ट अगास्ट, नॉट अफ्रेड, शॉक में आ जाना, डर जाना, ये सारी चीजें अगास्ट। अगास्ट को ऐसे कैसे याद रखना, अ गोस्ट। गोस्ट सोचा क्या होता है, गोस्ट क्या होता है? बहुत अच्छा मुस्कान बेटा, भूत। तो भूत के आने से बड़ा खुश थोड़ा हो गया, यार क्या देखा, हेलो भूत, हाउ आर यू, ऐसा थोड़ा कहोगे। तो यू विल गेट अगास्ट, यू विल गेट शॉक्ड, यू विल गेट हॉरिफाइड। ओके, इट्स गुड, इट्स डैम इजी। कभी इतनी अच्छी अंग्रेजी लगी आपको? अंग्रेजी कभी इतनी अच्छी लगी आपको? इट इज दैट इजी अंग्रेजी। और हमारे पंजाब में तो यहाँ पे बिजनेस बनाया हुआ है लोगों ने कि भाई आयल्स करना है, आयल्स करना है सर जी, बाहर जाना है, बाहर जाना है तो आयल्स करना है। तो यहाँ पे लोग सुबह 9 बजे से बैठ जाते हैं और 5 बजे तक पढ़ाई जाते हैं, ये रट्टे मरवाई जा रहे हैं, मरवाई जा रहे हैं। मैंने कई बार उनको बोला भाई इस तरह से पढ़ा के देख लो बच्चों को, रिजल्ट आएगा। नेवर बट नो बडी लिसन टू मी। फिर मैंने खुद एग्जाम दे के दिखाया उनको एंड दे वर अस्टोनिश्ड टू सी इट, भाई इतने नंबर भी आ सकते हैं। एंड आई डिडंट प्रिपेयर, I only prepared for 20 days, that's all. Rest was my UPSC. And I was so, मेरे को गुस्सा आ था कि मेरे को listening में 9 में से 7 किसने दे दिए? And I was writing the letter like, क्या क्या word डाले थे मैंने? आधे तो उनको नहीं समय लगे होंगे। चलो, कोई बात नहीं। तो ये सिप्पी देखी बेटा आपने? कोई बात नहीं बेटा, जब जब जागो तभी सवेरा मोनिका। जब आप जागे हो तो चलते रहो अभी, ठीक है? क्लोस्टर का मीनिंग होता है सेक्लूजन, सेक्लूजन या आइसोलेशन या लोनली, ठीक है, जो अकेला रहता है, ठीक है ना, जो अपने आप में रहता है, जो अकेला रहने में सक्षम है, दैट इज सेक्लूजन, दैट इज क्लोस्टर। इसका वर्ड कैसे है? एक ये सिप्पी को देखा, सिप्पी की अंग्रेजी होती ऑयस्टर, OYSTER, ठीक है। तो अगर मैं ऑयस्टर की जगह क्लोज्ड ऑयस्टर लिख दूं यहाँ पे, CLOSED, क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब बंद है। तो ये मोती है, एक मोती एक सिप्पी में होता है, तो वो क्या होगा, क्लोज्ड ऑयस्टर में अलोन होगा, वेरी गुड, इंट्रोवर्ट होगा, बहुत अच्छी बात है, क्वारंटीन्ड होगा, दैट्स वेरी गुड बेटा, अलोन, अलोन मीन्स क्या है, क्लोज्ड आउट, ठीक है, बहुत अच्छा सबीना, बहुत अच्छी बेटा, अलोन, यश, वेरी गुड बेटा, आर यू गेटिंग दिस? चले आगे, थोड़ा सा इसको साफ कर दूं, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा कि नहीं, ले लिया करो, पहले जैसे मैं करता हूं ना स्क्रीन लोड होती है उसी टाइम ले लिया करो। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे पास है, हमारे पास है वर्ड, नेक्स्ट इज प्लिथोरा, बहुत कॉमन वर्ड है। प्लिथोरा का मतलब होता है अबंडेंस, सुपर अबंडेंस, एक्सेस में कोई चीज होना। एक वर्ड मैं आगे जाके कराऊंगा, स्कार्सिटी या पॉसिटी, वो आगे जाके आपको इसका वर्ड रिलेट करना है, पहले इसको याद कर लेते हैं। प्लीथोरा, प्लीथोरा का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्सेस में पीना, ठीक है, या खाना, ठीक है, ओके, मैनी, बहुत ज्यादा होना। तो प्लीथोरा का मतलब क्या है, पी ले थोड़ा और, पी ले और थोड़ा। तो पहले क्या हुआ, इस बंदे ने एक बियर स्टार्ट की, या पीना को कह सकते हो, खाना भी, खाना को भी खा सकते हो, पहले एक बियर स्टार्ट की, फिर कहता नहीं यार एक और पी लूं, और शराबियों का यही होता है, फिर एक और पी लूं, फिर एक और पी लूं, जब तक कि वो टुन नहीं हो जाता। तो लाइक ग्लूटोन, इट्स लाइक प्लीथोरा, प्लीथोरा इज बहुत ज्यादा, सुपर अबंडेंट, सुपर रिच, सुपर प्लीथोरा, ओके, एक्सेसिव, बहुत बढ़िया पवनदीप, यू आर गेटिंग इट पॉइंट, बहुत अच्छी बात है। मोर, मोर की जगह प्लीथोरा डाल सकते हो, ठीक है, एक्सेसिव की जगह प्लीथोरा डाल सकते हो आप,
आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, बस 5 मिनट 10 मिनट और बेटर क्लास। तो फियास्को का मतलब होता है हमारे पास कंप्लीट फेलियर और डिजास्टर, ठीक है, फियास्को, ठीक है। तो फियास्को को कैसे याद करना, हमने फायर करो इसको, ठीक है। तो सोचो आपने कोई, आपका जो मतलब बॉस था उसने आपको काम दिया बट आप वो काम नहीं कर पाए ड्यू टू सर्टेन रीजन, तो आपने क्या किया, फियास्को। इसका मेरे पास जिफ ऐसा है बेटा, आपको झट समझ लग जाएगा, मैं बताऊंगा। जैसे कि 2020 आजकल क्या क्या आप क्या बोलते हो कि 2020 इज ए डिजास्टर, ये बोलते हो ना, डिजास्टर है ना, डिजास्टर है ये, फेलियर है ये, कंप्लीट नाकामयाबी है हमारी। तो वी कैन से 2020 इज ए फियास्को, व्हाट इट इज ए बेकार। वेरी गुड जगदीप, इट्स ए फियास्को, व्हाट इट इज ए फियास्को। तुम तो यार हंसी जा रहे हो उधर कर लो पहले। नेक्स्ट इज रेवेनस, ठीक है, किसी काम का नहीं, हाँ मतलब 2020 से, वेरी गुड। मैं क्या मेरे को बोल रही गई, ठीक है चलो। रेवेनस का मतलब होता है एक्सट्रीमली हंग्री। एक और वर्ड पढ़ा था हमने एक्सट्रीमली हंग्री का, वोरेशियस का, स्टारविंग, बहुत बढ़िया, ग्लूटोन, शिवम, वेरी गुड, इन ए वेरी ग्रेट नीड। तो रावण के 10 सिर होते थे, ठीक है ना, रेवनस का मतलब रावण के 10 सिर होते थे। तो एक खान, एक बंदा ही बड़ा भूखा है तो सारे के सारे क्या होंगे, रावनस, ठीक है, फैमिश्ड। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया शुभम, फैमिश्ड इज अगेन गुड वर्ड, पर इसको, इसके पहले जो जो याद आ रहा है आपको बस वही बोलो, ठीक है। सिंपल टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करो, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स में लो, सिंपल रेवनस की ये फोटो याद रखना, ठीक है। रेवनस इज कि जो प्लेट के भी चट कर जाए सारी की सारी, इतना भूख लगी हो। तो ये हम भी हो सकते हैं कभी, कई बार हमें सुबह का खाना नहीं खाया तो दोपहर को भी यार रेवनस कि मेरे को कुछ खाना है, ठीक है ना, मेरे को भूख लगी है, तो आई विल नीड टू ईट समथिंग, तो आई एम रेवनस। एक्सपंज, ओके बेटा, आई विल डू एक्सपंज। ओके जल्दी लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, घर वालों को बोलना है कि सर ने मेरे को सिखाया ये सारे अंग्रेजी के वर्ड्स, आधी अंग्रेजी सिखा दी मेरे को। ट्राई टू यूज दीज वर्ड ओवर विद देम, ओके, उनको भी लगेगा कि क्लास का कोई फायदा हो रहा है। नेक्स्ट इज प्लेनिट्यूड, प्लेनिट्यूड का मतलब बताइए, देखो इसके पास कितने सोने के सिक्के गिर रहे हैं, तो ये क्या होएगी, इसका मतलब भी अबंडेंस होता है, इसका मतलब प्लेंटी होता है, इसका मतलब भी प्लिथोरा होता है। एक्सेस ऑफ मनी इज प्लिथोरा ऑफ मनी, एक्सेस ऑफ मनी इज प्लेंटी, प्लेनिट्यूड। प्लेंटी और प्लेंटी का मतलब तो सबको पता है, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में, और जब पैसे बहुत ज्यादा अमाउंट में सोनों के हिसाब से गिर रहे हैं तो हम बोलेंगे प्लेंटी ड्यूड। ड्यूड का मतलब समझ रहे हो, ये बंदे को ड्यूड बना दिया मैंने, टू मच ड्यूड, दैट्स टू मच, ठीक है ना, तो प्लेनिट्यूड, तो प्लेनिट्यूड हो जाएगा। एक वर्ड हमने और सुना था बनोस्टिक, बनोस्टिक का मतलब होता है मंडेन, मंडेन अब मैं नहीं बताऊंगा, व्हाट इज मंडेन, वेरी गुड विजय कुमार खरदा, बहुत बढ़िया बेटा, प्लेंटीफुल, यश मल्होत्रा, गुड बेटा। अभी तो बेटा 50 ही सिखाए हैं, ठीक है, बनाल, बहुत बढ़िया, ऑर्डिनरी, गिरीश कुमार अलवार, नोट्स भेज दिया करेंगे बेटा, अभी आप यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, नो इशू, ठीक है ना, सब कुछ कर दिया आपके लिए, मैंने एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, हाँ बस 10 मिनट, 10 मिनट, ओके बेटे, चलो जितना हो सका अपन हमने कवर किया है। बनोस्टिक का मतलब होता है मंडेन, लेट्स डू, जल्दी जल्दी हम खत्म करें इसको, जितने भी वर्ड रह गया, ठीक है। क्वांड्री का मतलब होता है डिलेमा, दुचित्ती में पड़ जाना, ये चूज करूं या ये चूज करूं, ये दोनों में से मेरी कौन सी बेस्ट ऑप्शन है। आपके पास ऑप्शन है कि आप जंक फूड खाओ, बर्गर खाओ, या आपके पास ऑप्शन है कि आप वेजिटेबल्स खाओ, ठीक है। तो यू आर इन ए डिलेमा, यू आर इन ए कंफ्यूजन, यू आर इन ए क्वागमायर, यू आर इन ए क्वांडरी, ठीक है, क्वांडरी, ठीक है। तो क्वांटरी से क्या रख सकते हो, क्यों मैं डरूं, ठीक है, क्यों मैं डरूं, क्यों मैं अभी जवान हूं, मैं जो मर्जी खाऊं मेरी मर्जी। मेरे को कोई टेंशन नहीं ना, वेरी गुड, बिफडल,
दैट्स वेरी गुड। तो स्टॉलिड नेक्स्ट इज सॉलिड। सॉलिड का मतलब होता है अंदर से सॉलिड। जो बंदा मतलब बाहर से इमोशन कुछ ना शो करे वो करोड़पति बन गया, कोई नहीं, आम सी बात है, इट्स ओके। तो स्टॉलिड, स्टॉलिड क्या मतलब, जिसके अंदर से कोई, अंदर से पूरा सॉलिड है। आपने वो देखी होगी मूवी, कौन सी, क्या नाम था उसका, जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की थी, आर्नोल्ड की थी, टर्मिनेटर 2, जैसे वो बाइक से उठता है तो ऐसे एक चश्मा डाला होता है ना, बॉयज नेवर क्राई, दे आर सॉलिड, दे आर लैकिंग इमोशन ऑन द आउटसाइड, ओके। वो आउटसाइड से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, लेट्स जल्दी जल्दी खत्म करें इसको। नेक्स्ट इज डिस्पाइज करना। डिस्पाइज करना मतलब क्या होता है, हेट करना, हेट करना या स्कॉर्न करना, ठीक है। तो स्पाइस का मतलब सुना क्या होता है, आप गरम मसाला लेते हो, दीज आर ऑल स्पाइसेस, गरम मसाला हो गया, और भी होता है कितने स्पाइस होते हैं, लाल मिर्च हो गया, फलाना ढमकाना जितना भी होता है ना, वो हो गया स्पाइस। और आपने देखा कि जो लोग स्पाइस खाते हैं वो डिस्पाइस करते हैं, दे डोंट लाइक, दे डिसलाइक, वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड वे टू लर्न इट। तो डिस्पाइस करते हैं मतलब डिसलाइक करते हैं और हेट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज डिस्पाइस करना। ट्यूटिलेज का मतलब होता है गाइड करना। मैं आपको ट्यूटिलेज, यू आर अंडर माई ट्यूटिलेज, यू आर अंडर माई गाइडेंस, ट्यूटिलेज। ट्यूटिलेज से याद रखो ट्यूशन, ठीक है, वार्डशिप, गुड, ट्यूशन, ये ट्यूशन की तरह लग रहा है, ट्यूटिलेज ट्यूशन की तरह याद रख रहा है। तो ये लड़की, ये टीचर इसको क्या हेल्प कर रहा है, याद करने में, इल्यूमिनेट करने में, उसकी गार्डियनशिप में, इसको गाइड करने में इसकी हेल्प कर रहा है। तो ट्यूटिलेज, यू आर अंडर माई ट्यूटिलेज, ठीक है, मेरे अंडर हो आप, ठीक है, ट्यूटिलेज में हो मेरे अंडर। उसके बाद आता है कॉम्प्लेसेंट। जो लोग इंजीनियर होंगे उनको पता होगा कि उनकी अगर कंपनी में प्लेसमेंट हो जाती है, ठीक है ना, तो वो क्या बोलते हैं, सर कि मैं तो, अपनी तो जिंदगी आराम से कटेगी, मेरी सरकारी नौकरी लग गई, मेरी तो जिंदगी कार से लगेगी। तो जिसकी कंपनी में प्लेसमेंट प्लेसमेंट हो जाती है वो तो आराम से बैठ जाता है, कंटेंट होके शांति से आराम से बैठेगा ऐसे करके, भाई कि अब तो हमें कोई नहीं हटाने वाला, ठीक है। तो कंप्लेसेंट बिकम्स एक्सेसिवली प्लीज विद वन सेल्फ, ठीक है, मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हो गया हूँ, मेरे को सरकारी जॉब लग गई है, आई एम नाउ कंप्लेसेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्टिनेशियस। पर्टिनेशियस का मतलब है, इसको ऐसा याद कर लो, पर टीना शेज यस। तो सोचो टीना डबी के बारे में, टीना डबी 2015 की टॉपर थी, इसका मतलब होता है रेजोल्यूट, परसिस्टेंट, डिटरमिंड। सोचो कि टीना डबी पहली बार में फेल हो गई है तो वो बोलती नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी यूपीएससी के रास्ते को, मैं लगी रहूंगी और मैं अगले साल टॉप करूंगी। तो जो उसने अगले साल किया भी, तो पर टीना सेज यस मींस पर्टिनेशियस। पर्टिनेशियस मतलब जो लगा रहे यूपीएससी की तैयारी में, लगा रहे, डिटरमिंड होके लगा रहे, रेजोल्यूट होके लगा रहे, तो दैट बिकम्स पर्टिनेशियस। कितने कितने हो गए बेटा, 35, लेट्स डू 15 जल्दी जल्दी। बर्सर्क मतलब होता है इतना ज्यादा गुस्सा आ जाना कि आंखें मतलब लाल हो जाना, इतना गुस्सा आ जाना कि दिमाग फटने लग पड़ना, आंखें लाल हो जाना। तो बर्सर्क का मतलब होता है बियर पी के सरक जाना। जब बियर पी के किस बंदे की सरक जाती है, सरक जाना मतलब समझ रहे हो, गुस्सा आ जाता है उसको, तो उसने अपना लैपटॉप ही तोड़ दिया, तो दैट मीन्स बर्सर्क, बियर पाके पी के सरक जाना, हट जाना दिमाग से, है ना, अथा माजी सटकली, है ना, तो दैट इज काइंड ऑफ बर्सर्क, ओके। एक्रीमोनियस, बस 5 मिनट खत्म कर लेगा। रेमेंट इज बेसिकली योर क्लोथिंग, आपका रेमेंट का नाम सुना होगा ना, रेमेंट के कोट आते थे हमारे पास, तो रेमेंट से आ गया रेमेंट, ठीक है। रेमेंट इज क्लोदिंग, योर अटायर, आप कैसे कपड़े डालते हो, दैट इज रेमेंट, ओके, डन। या किस तरह के कपड़े डालते हो, किस तरह का अटायर है आपका, किस तरह के आप अट्रैक्टिव लगते हो, आपने अच्छे कपड़े डाले हैं या आप वो आराम से बैठे हो, ठीक है ना, दिस इज बर्सर्क। नेक्स्ट इज प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का मतलब होता है बहुत ज्यादा सच्चा हो, बहुत ज्यादा अनटच्ड हो, बहुत ज्यादा प्योर हो, ठीक है। तो प्रिस्टीन मतलब प्रीस्ट, जो आप, जो ये प्रीस्ट जी हैं, ये तो कैथोलिक का पता ही होगा आपको, है ना, होली, ठीक है ना, तो ये प्रिस्टीन होते हैं, ये बहुत ही प्योर होते हैं। एक्यूमेन का मतलब होता है चलाक होना, क्लेवर होना, मेंटल शार्प होना, बड़ा बंदा हो, तो ये क्या है एक्यूमेन, व्हाट इज दिस,
एक्यूमन, ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्विक पर्सन हो, क्विक थिंकर हो। शकुंतला देवी इज हैड ए वेरी गुड एक्यूमन, मैथमेटिकल एक्यूमन। एक्यूमन का मतलब तेज थी वो, बहुत ज्यादा शार्प थी मैथमेटिक्स। आगे चलते हैं हम, शार्पनेस या स्ट्रिक्चर। तो स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्चर को ऐसे याद रख लो, स्ट्रिक्चर का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन लगाना या किसी के ऊपर लिमिटेशन लगाना कि आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना ग्रुप में। तो आई एम इम्पोजिंग स्ट्रिक्चर। स्ट्रिक्चर का मतलब इसको ऐसे याद रखो, स्ट्रिक्ट टीचर, जो स्ट्रिक्ट टीचर होगा वो डिसिप्लिन बना के रखेगा क्लास में। ओके, तो स्ट्रिक्चर इज दिस। नेक्स्ट वर्ड इज पॉसिटी। पॉसिटी से याद रखो स्कार्सिटी, या पॉसिटी से याद रखो पुअर सिटी। जहां पे पुअर सिटी होगा वहां पे रिसोर्सेज बहुत कम होंगे। ओके ओके बेटा, दैट इज विल बी ऑल, ठीक है ना, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय एंड। जो रह जाएगा वो आपको मैं सेंड कर दूंगा, यू कैन सी इट, ठीक है। 50 वर्ड्स हो गया मेरी तरफ से, वी हैव डन मोस्ट ऑफ इट। बेस्ट वी विल डिस्कस इन द ग्रुप, आप ग्रुप बना लो, यू कैन एड मी ओवर देयर, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, नॉक मैं आपको भेज दूंगा और, ठीक है, थैंक्स बेटा। ओके बाय बाय, कल के टाइमिंग का मैं आपको शाम तक बताता हूँ बेटा, ओके। And this, we will discuss in the group, our group. Okay? Bye-bye.